सभी को नमस्ते। आज की इस मार्च महीने के पहले रविवार की जो कंबाइंड मंथली मीटिंग है, उसमें सभी को एक्सप्लोरर्स का बहुत बहुत स्वागत। आज मैं मॉडरेटर की तौर पर अपनी भूमिका निभाने जा रही हूँ। आज का जो रजुल भैया अपना ओपनिंग रिमार्क देंगे तथा इस मीटिंग का प्रयोजन तथा नेशन वाइड यूएचपी की जो एक्टिविटीज चल रही है उनके बारे में बताएंगे। उसके उपरांत डॉक्टर मिलिंद कांबड़े तथा मिस्टर रविकांत गौतमी ये अपना शेयरिंग करेंगे। के उपरांत कीनोट सेशन दिया जाएगा नैतिक मानवीय आचरण इस विषय पर। कुमार संभव भैया अपना सेशन रखेंगे। उसके उपरांत डॉक्टर एच डी चरण चेयरमैन एनसी यूएचवी एआईसीटी न्यू दिल्ली वे अपने क्लोजिंग रिमार्क्स रखेंगे और फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताया जाएगा। वोट ऑफ थैंक्स से आज के इस मीटिंग समाप्त की जाएगी। मैं अभी रजुल भैया से अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी बात रखें। मुंशी भैया रखेंगे बात को। मुंशी भैया का स्वागत। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी बात रखें। जी नमस्ते सभी को। जी तो सभी का स्वागत है इस मीटिंग में। आज हम लोग 3 मार्च 2024 को लास्ट मंथ की प्रोग्रेस की चर्चा करेंगे। सो आवर फोकस फॉर द एफर्ट आर टू फैसिलिटेट द एडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज इन मेन स्ट्रीम एजुकेशन, जिसके इर्द गिर्द हम सब लोग इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। तो फरवरी महीने में जो कुछ गतिविधियां हो पाई हैं उसके बारे में हम लोग संक्षिप्त में चर्चा रखेंगे। सो फ्रेमवर्क फॉर होलिस्टिक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन अगर हम देखें, AICTE has developed a unifying framework for holistic value-based education. In particular, the aspirations articulated in the Indian constitutions in NAP 2020 and UN SDG. So, three components of human value-based education are, in which first point is education on values founded on holistic and human world vision, that is understanding harmony. So, our focus is to understand universal human value. Second point, the reinforcement and exemplification of living in harmony, that is courses, examples, and case studies of local, regional, and national values, languages, and skills, and that is covered by Indian knowledge systems. Learning skills for living in harmony and their practice as a nature-friendly and human-friendly. In three components pe human value-based education को केंद्रित किया गया, जिसपे जो प्रयास लगातार पिछले 2 दशकों से चल रहा है। तो फरवरी महीने की जो प्रोग्रेस है उस पर अगर चर्चा करें तो कुछ इस तरह का परिणाम दिखता है। जो हम लोगों का विजन है, दैट इज ह्यूमन एजुकेशन फॉर ए ह्यूमन सोसाइटी, और ये इसके लिए जो प्रोग्राम बनता है कि वैल्यू एजुकेशन को हम पहले समझें और फिर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को सोसाइटीज में और एजुकेशन में अडॉप्ट करें, और फिर वैल्यू बेस्ड लिविंग तक अगर हम पहुंचते हैं तो हमारा ये जो विजन है ह्यूमन एजुकेशन फॉर ह्यूमन सोसाइटी कंप्लीट होने की दिशा में। इसका जो प्रोसेस है वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन है। अगर डेवलपमेंट की बात की जाए कि अभी तक इसके लिए क्या क्या कार्य हो पाए हैं, तो इस कार्यक्रम में 16 बुक्स अब तक पब्लिश हो गई हैं, 8 कोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डिजाइन हो गए हैं, एंड 12 टाइप्स ऑफ FDPs आर गोइंग। इसके माध्यम से इस कार्यक्रम को अग्रसर करने का प्रयास किया जाए। अगर देखा जाए कि प्रोग्राम में क्या क्या कंडक्ट हुआ, तो अब तक 800+ FDPs हो चुकी हैं, जिसमें फेस टू फेस FDPs है 96 इन 2023। इन 2024 जनवरी से फरवरी महीने तक का अगर देखें ये नंबर है 33। अब हम वॉल्यूम में देखें कि 37 प्रोमिसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनको हम लोग पोटेंशियल नोटिस सेंटर की तरह से नाम देते हैं, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो रहे हैं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस को अपने अगल बगल के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, परिवार से लेकर के सोसाइटी तक, जो भी जहां भी गैप दिखाई दे रहा है, तो वैल्यू एजुकेशन के लिए जो हमसे सहयोग हो सकता है वो करने के लिए वो हैंड टू हैंड सहयोग करने को तैयार है। ऐसी तैयारी में आज की डेट में कंट्री ओवर 37 इंस्टीट्यूशंस सामने हैं। रफली 77,000 फैकल्टी मेंबर ह्यूमन वैल्यू प्रोग्राम से ओरिएंट हो चुके हैं किसी न किसी माध्यम से,
जुड़ चुके हैं। इंटरेस्ट के रूप में देखा जाए तो ऑल ओवर कंट्री 1074 यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें 194 यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर एंड को कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए। इसके माध्यम से यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एज वेल एज नियर बाई जो स्कूल्स है वहां तक इस बात को पहुंचाने में मदद। 2 लाख से अधिक अभी तक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की है फॉर जस्ट गेटिंग द इंफॉर्मेशन इन द वे ऑफ FDPs ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन बेंच। अभी अगर एक प्रोग्रेस की बात करें फरवरी महीने की, एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम अन्ना यूनिवर्सिटी में चेन्नई में हुआ, जिसमें एक दिन का फेस टू फेस और कुछ ऑनलाइन प्रेजेंटेशन भी हुए, जिसमें 115 पार्टिसिपेंट्स 12 इंस्टीट्यूशन से। आप जानते हैं लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नियर बाई के जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके वाइस चांसलर्स, उनके डीन्स, इनके साथ चर्चा करने के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें चीफ गेस्ट है प्रोफेसर TG सीताराम, चेयरमैन AICT। रिसोर्स टीम के रूप में डॉक्टर रजनी अरोड़ा जी, प्रोफेसर HD चारण जी, डॉक्टर कुमार संभव जी एंड श्री राजू अस्थाना जी उपस्थित थे। एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए डॉक्टर RK अग्रवाल, डायरेक्टर जनरल ऑफ AKG इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, डॉक्टर P सुप्रजा, सी इज कोऑर्डिनेटर ऑफ बायो एजुकेशन सेल ऑफ SRM IST, एंड डॉक्टर J कमला, सी इज ऑल्सो कोऑर्डिनेटर ऑफ SIP सेल ऑफ अन्ना यूनिवर्सिटी। इन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग रखी। कमिटमेंट्स के रूप में जो कुछ वहां से देखने को मिला उसकी बात करें तो दे आर इंट्रोड्यूसिंग USB2 एट अन्ना यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी USB2 एज ए कंपल्सरी कोर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, एंड मेकिंग एफर्ट टू स्प्रेड द वर्ड अबाउट USB इन तमिलनाडु। पूरे तमिलनाडु में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने कमिटमेंट शो किया, एंड फॉलोअप के रूप में 11 इंस्टीट्यूशंस से उन्होंने काम को स्टार्ट करने के लिए ऐसा कमिट किया है। इस मौके पे जो AICT चेयरमैन प्रेजेंट थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, उनकी ऑडियो भी हम लोग और वीडियो। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज इज नीड ऑफ द आवर। वी आर लुकिंग एट इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी एट द सेम टाइम। आई मीन यू आर ऑल हियरिंग दैट वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑलरेडी। We're going to become the third largest economy in years to come. But finally, money is not the only one which puts a country in the front. AICT, looking at this very carefully, started working in this direction since 2017. The significant groundwork that has been accomplished over a period of time, those 5 years, and also there are future plans which are placed. Okay, starting with induction program at engineering institutions, a 3-week induction program, and also we had made 2 national committees, NCUHV and then NCCIP, in collaboration with UHV team. I think these 2 teams are doing exceedingly well. AICTE is committed to not only to continue this initiative of universal human values, but also taking this into next level and to really derive the full potential of this. AICTE and its institutions have a crucial role in propagating the universal values course to all the 8,000 plus AICTE institutions in the nation and helping them to prepare the adequate faculty for training these and also make all of our students a true citizens of the global village. They have already developed more than 16 books, 8 courses, and 12 faculty development programs they have conducted. And there is a voluntary team, as I told you earlier, 500 plus, and they have prepared a faculty. This is a big compliments to the UHV team. 75,000 and plus teachers have been trained. So this is all done honorary pro bono. So this is an amazing. I think we should applaud the entire UHV team. Please,
There is a lot of in these courses. More than 2 lakh registrations have come, and large number of institutions and universities are also part of this leadership program, where the leaders, I mean, basically they are going to go back and implement in their colleges, will be a very valuable thing for the entire education sector. So I request and I to adopt this in your institutions and train more and more people, and will spread the message of universal across the nation. So thank you. Namaskar. Jai. ये वॉइस थी अपने AIC के चेयरमैन, उनका ऑडियो और वीडियो हम लोगों ने देखा. उन लोगों ने पूरे USB टीम का जो प्रयास है उसको सराहा, और जो वॉलेंटियरली वर्क हो रहा है उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया. आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें तो फर्स्ट FDP ऑन होलिस्टिक ह्यूमन हेल्थ जो चेन्नई में हुआ है SRMIST में, जिसकी चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी कि होलिस्टिक ह्यूमन हेल्थ पे भी वर्कशॉप हो, तो पहली FDP हुई है जो फेस टू फेस 5 डेज की थी. इसमें कुछ सेशन ऑनलाइन भी हुए, कुछ फेस टू फेस हुए. 32 पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट थे, जिसमें कुछ लोग मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज से जुड़े थे, कुछ लोग काउंसलिंग में इन्वॉल्व थे जो फैकल्टी वो भी थे. रिसोर्स टीम के रूप में डॉक्टर समीला अस्थाना जी, डॉक्टर अखिलेश शुक्ला जी एंड डॉक्टर सुंदर राज जी, जो जिनसे हम सब लोग अवेयर हैं, हम लोगों के ह्यूमन हेल्थ के लिए, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के जो कार्य कर रहे हैं. ऑब्जर्वर के रूप में डॉक्टर ललिता जी प्रेजेंट थी. होलिस्टिक ह्यूमन हेल्थ को 3 तरीके से चर्चा की गई, जिसमें हेल्थ ऑफ द सेल्फ, हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड हेल्थ ऑफ द इन्वायरमेंट, दैट इज फैमिली सोसाइटी एंड नेचर. 100% फेड होलिस्टिक ह्यूमन हेल्थ मस्ट बी पार्ट ऑफ एजुकेशन, ऐसी लोगों की स्वीकृति बनी. एंड डेली रिकैप ऑफ पार्टिसिपेशन हैज बीन हैपेंड एंड सम कलेक्शन ऑफ frequently asked questions have been prepared. So very soon you will see these informations. हम आप सबके बीच में शेयर भी हो जाएगी. जिस भी प्रोग्राम की अगर हम बात करें इन फरवरी 2024 की, सो 9 इंट्रोडक्टरी USB FDPs हुई हैं, जिसमें 3 डेज फेस टू फेस, 1 USB 2 FDP हुई है, दैट इज द 5 डे फेस टू फेस, 1 USB LDP लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ जो एक दिन का हुआ था, मिक्स मोड में था, एंड 1 होलिस्टिक ह्यूमन हेल्थ FDP 5 डेज की हुई, वो भी मिक्स मोड में थी, और ये सभी प्रोग्राम सेल्फ फंडेड मोड में. अब तक नवंबर 2022 से देखा जाए तो 135 FDP हो चुके, और 2024 के लिए जो टारगेट है वो 200 FDP का रखा गया, जिसके लिए आप हम सभी लोग प्रयासरत हैं. इस पे कार्य ईच एंड एवरी मंथ और ईच एंड एवरी वीक हो रहा है. अगर पैन इंडिया कोऑर्डिनेटिंग टीम देखें फॉर वर्किंग FDPs, ये पार्शियल लिस्ट ऑफ वॉलेंटियर्स है, और ये हम सभी वॉलेंटियर्स के बीच से ही लोग हैं जो लोग इसमें कर रहे हैं. तो कुछ लोगों का नाम मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं रीजन वाइज. ये फैकल्टी मेंबर्स जो USB टीम के वॉलेंटियर्स हैं, ये लोग प्रयासरत हैं. इनके प्रयासों से ईच एंड एवरी वीक, ईच एंड एवरी मंथ एंड एनुअली फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन USB संपन्न हो. कुछ प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो ट्रांसलेशन ऑफ 3rd edition ऑफ USB टेक्स्ट बुक and teachers manual into Indian languages is going on, and languages are Bangla, Gujarati, Kannada, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Tamil and Telugu. So translation glossary almost complete ho gaya hai. Translate teachers manual up to module 2 has been completed. Module 3 to 5 abhi progress mein hai, aur translate textbooks ye kaam abhi hona baki hai. इसमें 55 वॉलेंटियर्स इन्वॉल्व हैं जो इस काम को कर रहे हैं. ट्रांसलेशन टीम ऑफ 55 जो वॉलेंटियर्स हैं वो कुछ इस तरह से है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं. और इस काम के जो कोऑर्डिनेशन का काम है, प्रोफेसर दिलीप देवनाथ जी एंड डॉक्टर आर सुनील कुमार जी कर रहे हैं. एक मेजर काम जो पब्लिकेशन का है उसको देखा जाए
इतनी सारी बुक्स आज की डेट में तैयार हैं। इनका जो फॉर्मेट्स है, ई बुक के रूप में प्रिंटेड बुक्स एज वेल एज ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें कंटेंट डेवलपमेंट, ट्रांसलेशंस, प्रूफिंग, फॉर्मेटिंग, लेआउट, डिजाइन, कंप्लीट ऑल थिंग्स का जो काम है, इसके साथ साथ प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, इस पूरे काम को करने के लिए जो हमारी टीम है, उस टीम में मोतीचंद यादव भैया कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एज वेल एज होल यूएसबी टीम, और उनके साथ सहयोग के लिए नितेश सचान एंड ज्ञान जी, अपराजिता सिंह जी एंड दीपेश जी, स्पेशली दे आर वर्किंग ऑन ऑडियो बुक, संदीप मुरादा जी और एच के राय जी इस टीम में काम कर रहे हैं। वेबसाइट की बात करें तो usb.org.in, जिससे हम सब लोग फेमिलियर हैं, इस पे देवेश मलिक जी एंड संदीप मुरादा जी इस पे काम कर रहे हैं। usbpublications.in पे आज की डेट में ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, और इस साइट पे हम लोग के सभी कंटेंट, सभी मटेरियल अवेलेबल हैं, जिसको हम सब लोग जानते भी हैं, अवेयर भी हैं, और इसको और लोगों तक पहुंचाने का काम भी हम लोगों को करना है। पता, न्यूज़लेटर जो मंथली पब्लिश हो रहा है, इसका स्वरूप थोड़ा सा चेंज हुआ है जनवरी 2024 से, और न्यूज़लेटर की जो टीम है वो आपके स्क्रीन पर इस तरह से है, अपराजिता दीदी लीडिंग रोल में है, बाकी सब लोग सहयोग के लिए, ये सभी वॉलेंटियर्स, अजय पाल जी, महेश कोरे जी, चरणजीत जी, गीता जी, अनिल जी, ये सभी लोग इनके साथ सहयोग में लगे हुए हैं। तो ये न्यूज लेटर जो पुराने फॉर्मेट में है, दिसंबर 2023 का दिख रहा है, साथ में जनवरी 2024 का ये लेआउट दिख। डेवलपमेंट एट प्रोमिसिंग इंस्टीट्यूट की बात करें, जिसमें एक अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, उनके जो हाईलाइट थे वो जनवरी न्यूज लेटर में आए हैं। यहाँ पे 100% फैकल्टी ओरिएंटेड, मीन्स सभी फैकल्टी सोलिवन वैल्यू प्रोग्राम से गुजरे हुए हैं, सब लोगों ने FDP कर रखी है। दे हैव इम्प्लीमेंटेड SIP, USB 1, USB 2, USB 3, USB 4 एंड USB। वहाँ पे जो एक्टिव वैल्यू एजुकेशन सेल है, उसमें डॉक्टर आर के अग्रवाल डायरेक्टर जनरल, प्रोफेसर बी के पराशर जी, डॉक्टर गोपाल बाबू एंड देयर टीम्स, एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग गुड फॉर नेशनल एफर्ट्स। तो फुल कमिटमेंट के साथ वो लोग इस काम पे लगे हुए हैं। की प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज फॉर 2024 इन एडिशन टू दोज यू आर ऑनगोइंग, जो कार्य हो रहे हैं उसके अलावा जो कार्य करने हैं 2024 में, एक है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो ऑनलाइन मोड में होने के लिए प्रस्तावित है, USB इन मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, ये बड़ा काम जो पेंडिंग था अब इस पे काम शुरू हो गया है और इसको 2024 में गति देनी है, USB मॉडल फॉर काउंसलिंग, तो इस कार्य को भी करना है, एंड इम्पैक्ट स्टडीज फॉर एक्टिविटी रिपोर्ट्स एंड पेपर्स, ये काम होना है जिसमें आप सभी वॉलेंटियर्स का सहयोग जरूरी है, और एनुअल रिपोर्ट दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी कार्य 2024 के लिए प्रस्तावित है, जिसको हम सबको मिलकर के करना है। इसके लिए मोर वॉलेंटियर्स आर टू बी आइडेंटिफाइड टू टेक दिस, जो लोग जिस कार्य में लगे हुए हैं उसके अलावा कुछ और वॉलेंटियर्स हम लोगों को आइडेंटिफाई करने हैं, इस काम को कंप्लीट कर। दी ज्यादा थिंग्स फ्रॉम आवर साइड। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिससे यूएचवी की बढ़ती हुई व्याप्ति देख पा रहे हैं और इसे देखकर हम सभी को प्रोत्साहन भी मिल रहा है तथा अपने वॉलंटियर जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं प्रसार करने के लिए, हर आखिरी व्यक्ति तक इसे पहुंचाने के लिए जो प्रयास चल रहा है वो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत प्रशंसनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया इस जानकारी के लिए। अभी हम कुछ शेयरिंग लेंगे। डॉक्टर मिलिंद कांबळे जी, जो अभी कुछ ही समय पहले यूएचवी से जुड़े हैं, वे अपनी शेयरिंग प्रस्तुत करेंगे। भैया आगे की स्लाइड डिस्प्ले कर सकते हैं। वे एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट है श्रेयस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, छत्रपति संभाजीनगर में। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे अपना शेयरिंग रखें। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर मिलिंद धर्मराज कांबले है। एज सब लोग देख रहे हैं कि मैं एज ए एसोसिएट प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिकल एजुकेशन श्रेयस कॉलेज छत्रपति संभाजीनगर में काम करता हूँ एज ए एसोसिएट प्रोफेसर। देखा जाए तो UHV का और मेरा संबंध पहली बार 2022 में आया था।
जब हम लोग ने नैक के लिए जाने के लिए सोचा एज ए इंस्टीट्यूशन, और फॉर्चुनेटली आई वॉज सेलेक्टेड एज ए नैक कोऑर्डिनेटर फॉर द नैक प्रिपरेशन. सो दैट टाइम व्हेन आई वॉज लुकिंग फॉर ऑल क्राइटेरिया एंड मेट्रिक्स, दैट टाइम आई हैव अंडरस्टूड कि देर इज समथिंग, उसमें ऐसा कुछ है जो UHV रिलेटेड है, जिसमें हम लोग ह्यूमन वैल्यूज को बढ़ाना चाहते हैं, और उसके लिए AICT ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है. सो दैट आई केम अक्रॉस फर्स्ट टाइम, एंड इमिडिएटली विथ मी एंड अदर माई फैकल्टीज हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ये वर्कशॉप ऑनलाइन था उस टाइम, तो हम लोगों ने उसके लिए सोचा कि हम लोग ये UHV प्रोग्राम करते हैं, और मेरे साथ हम लोगों ने ऑलमोस्ट 11 फैकल्टीज एनरोल फॉर दैट ऑनलाइन FDP. इट वॉज इंट्रोडक्टरी. तो हम लोग जब हम लोगों ने वो अटेंड करना शुरू किया, तो जैसे ही मैंने फर्स्ट सेशन अटेंड किया, मुझे ऐसा लगा कि मैं इससे बहुत कुछ रिलेट कर पा रहा हूँ. सो ऑब्वियसली अगर हम लोग रिलेट करते हैं तो हम लोग जुड़ जाते हैं. तो इवन दो वो एक ऑनलाइन सेशन था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और राइट फ्रॉम द फर्स्ट सेशन मैंने उसको बहुत सीरियसली सुना. हालांकि ऑनलाइन और एकेडमिक शुरू रहता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इवन दो आई हैव मैनेज समहाउ एंड आई हैव लिसन ऑल सेशंस वेरी केयरफुली, और इवन जो भी उसके पोल्स थे, उसके असाइनमेंट्स थे, क्विज थे, उसको सब मैंने अटेंड किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. इवन सम ऑफ फैकल्टीज वेयर देयर, और उसके बाद इवन मुझे उसके लिए सर्टिफिकेट भी मिला. तो इस तरह से मैं UHV के लिए कनेक्ट हुआ. यही दिस ईयर मंथ ऑफ जनवरी में एक या आरती दीदी वहाँ पर है, तो MIT इंस्टीट्यूशन में एक मैनेजमेंट डेवलपमेंट का भी एक प्रोग्राम था, तो ऑब्वियसली मैं इसके लिए बारे में जानता था, और मैंने थोड़ा सा मैं रिलेट भी कर पा रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं एक मैनेजमेंट डेवलपमेंट भी फैकल्टी प्रोग्राम कर लेता हूँ. तो वहाँ पर मैंने वो भी अटेंड किया, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा. तो इस तरह से मैं UHV में जुड़ गया, और काफ़ी अच्छे मेरे जो इनपुट्स थे या जो भी मेरे क्वेरीज थे वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. तो जब मैंने ये किया MDP, उसी टाइम मैंने सोचा कि अगर ये मैं मेरे फैकल्टी के पास लेके जाता हूँ, तो अगेन इट विल बी अ वेरी गुड आइडिया, कि हम लोग जितने ज़्यादा लोगों के पास जाएंगे, और ये जब तक सभी के लोगों के पास नहीं जाएगा तब तक ये स्मूथली नहीं होगा. तो हम ज़्यादा लोगों के लिए करने के लिए मैंने ये सोचा कि मैं अब मेरे इंस्टीट्यूशन में लेके जाता हूँ. और बाद में मैंने within 15 days एक 3 days का फेस टू फेस वर्कशॉप यहाँ पे हमारे यहाँ मेरे कॉलेज में मैंने किया, और उसका जो रिजल्ट भी आया है वो बहुत पॉजिटिव आया है. हम लोगों में थोड़ा सा अभी कनेक्शंस बढ़ गए हैं. ऑब्वियसली ये तो शुरुआत है, लिटिल बिट अवेयरनेस हो गया है फैकल्टीज में, तो थोड़ा जो वर्क करते टाइम जो थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस होते थे वो थोड़े से कम हुए हैं, और इवन मतलब जो भी एंटायर वर्किंग कल्चर है वो लिटिल बिट थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है. ऑब्वियसली ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी ग्रेजुअली इनकल्केट होती है, तो ऑब्वियसली हम लोग बाद में मतलब एज ए कमिटमेंट आई कैन से कि मैं UHV 2 का भी एक प्रोग्राम मे बी जून जुलाई में प्लान कर रहा हूँ, इफ मैनेजमेंट सपोर्ट्स मी, तो हम लोग जरूर वो भी करेंगे. अगर दूसरी चीज पर्सनल लेवल पे देखी जाए, मुझ में जो चेंजेस आए हैं विथ रिस्पेक्ट टू द काइंड ऑफ कनेक्शंस विथ नेचुरल एक्सेप्टेंस, ये बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज हुए. ये था कि मुझ में कुछ बाय डिफॉल्ट कुछ चीज़ें थी जो जिसके वजह से मैं रिलेट कर पा रहा था UHV से, तो वो चीज़ें थी लेकिन वो सब थोड़ी सी रॉ थी. UHV क्या करता है, UHV हम लोगों को बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर से हम लोगों को समझता है कि हाउ यू आर सपोज टू रिलेट विथ ईच एंड एवरीथिंग, मतलब राइट फ्रॉम द पर्सनल सेल्फ डेवलपमेंट टू द ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप्स और ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप्स. तो ये चीज़ों में मैं थोड़ा सा भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गया हूँ. इसमें टेक्निकल लेवल पे जो भी चीज़ें हैं, टर्मिनोलॉजीज है, वो मुझे समझ में आ रही है, और सही में एक जो जीने का हमारा ये है कि पर्पस बोल सकते हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा भी मोर क्लियरली डिफाइन कर पा रहा हूँ कि मेरा क्या रोल हो सकता है.
with respect to human development, with respect to nature, with respect to self development, how ये चीजें कैसे मुझ में इम्प्रूव हो सकती है और मैं कुछ सिग्निफिकेंटली कर सकता हूँ या कर सकूंगा इन नियर फ्यूचर फॉर द ऑल व्हाट कैन से पर्सपेक्टिव में, जहाँ पे मतलब फैमिली से लेकर खुद पे या नेचर के साथ में। ये थोड़ी सी मैं बहुत ऑर्गेनाइज हुआ हूँ और मेरी क्लैरिटी आ गई है इसमें, तो ये UHV में मुझे बहुत सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होने का ये दिया है, मौका दिया है, और ऑब्वियसली मैं इसको और आगे लेना लेके जाना चाहता हूँ। तो थैंक यू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इसके उपरांत श्री रविकांत गौतमी जी, जो डिप्टी डायरेक्टर है आदर्श गांव में योजना, आदर्श गांव योजना कमिश्नरेट ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र पुणे से, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप आपका शेयरिंग रखें। जी आदरणीय सभी मान्यवर को नमस्ते और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। द आउटसेट मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपने यहाँ तक इस चीज को लाया नहीं रहता तो ये बात मुझ तक नहीं पहुंची रहती, और अभी जो एक अलग तरह का विश्वास मन के अंदर में पैदा हो रहा है तो ये आप सभी के योगदान के ही देन है, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। थोड़ा सा परिचय में मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं एकेडमिक सेक्टर से नहीं हूँ और पिछले अभी 29-30 सालों से सरकार में ही हूँ, और अभी यहाँ पर जो मेरा काम चलता है वो टिपिकली वाटरशेड डेवलपमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन पर काम चलता है। मेरी बीवी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है और उनको UHV का कोर्स कंपलसरी शायद हुआ था, तो उनके कुछ व्यस्तता के कारण उन्होंने मुझे कहा कि आप इस कोर्स को उनके बिहाफ पर मैं अटेंड करूँ। रिसेंटली मैं ऑफिस में था और उनके लिंक पर मैं उसको ज्वाइन किया और मुझे कुछ करना नहीं था, उन्होंने कहा था कि आप पोल्स है उसको अटेंड करते रहिए, कुछ असाइनमेंट्स है उसको भरते रहिए, आपका काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। जब मैंने इस कोर्स को जब लिंक ऑन किया और एक दो सेशन के बाद में मुझे ध्यान आया कि यहाँ पर जो बात बता रहे हैं ये बात कुछ बहुत ही डिफरेंट है, तो धीरे धीरे वो 5 दिन के अंदर में मैंने सारे पोल्स किए, सारे असाइनमेंट्स किए और सर्टिफिकेट पत्नी को मिला, लेकिन मेरा बहुत बड़ा ज्यादा फायदा हो गया। जैसे ही कोर्स खत्म हुआ वैसे मैंने UHV की वेबसाइट को विजिट किया और वहाँ पे ये जो फाउंडेशन कोर्स इन UHV एंड प्रोफेशनल एथिक्स जो है उसको अभी जो से मंगवाया उसको पढ़ा, फिर मैं और देख रहा था कि ये जो ऐसी बातें जो है नॉर्मल किसी ऐसे दर्शकों के रेफरेंसेस में आती नहीं है, तो मैं वो रेफरेंसेस को ढूंढ रहा था तो उसमें मुझे श्रद्धेय ए नागराज जी का वहाँ पे नाम दिखा। मैंने गूगल किया तो सीधा उनका लोकेशन मैंने अमरकंटक में पाया, उस दौरान मैं नागपुर में था, मेरे मित्र आए थे तो उनके साथ में मैं अमरकंटक के लिए निकला, लेकिन बीच में मैं साधन भैया जो मानव तीर्थ में है उनसे मिला, उसके बाद वापस रायपुर HOT में आया और वहाँ पर कुछ परिवारों से मिला, और तब मेरे अंदर में और ज़्यादा एक अलग कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ हो सकता है कुछ नई बात है और नई बात से लोग जी सकते हैं और बहुत पॉसिबिलिटी ध्यान में आई। वापस आया वहां से किताबें लेकर और किताबें पढ़ना शुरू किया। साधन भैया ने बताया था कि बहुत सारे प्रबोधकों के जीवन विद्या के शिविर आपको अटेंड करना है, तो अलग अलग प्रबोधकों के मैंने यूट्यूब के सेशन अटेंड किए। इसी दौरान सितंबर में 2022 में इंदौर में सेज का UHV 2 को फिजिकली अटेंड करने का मौका मिला और वहां पे श्याम भैया का दर्शन हुआ, और जिस तरह से वो बात रखते थे तो उससे बड़ा ही अपीलिंग महसूस हुआ, और वहाँ पे बहुत सारे साथियों से मुलाकात हुई तो देखा कि इस बात को जीने में भी लाया जा सकता है। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ने लगा और फिर एक से एक बार सोम भैया का फिजिकल शिविर जीवन विद्या का नागपुर में अटेंड किया, और अभी पिछले इतने दिनों से अभी इस एक्सप्लोरिंग का काम चल रहा है, अभी मॉर्निंग सेशंस को भी मैं अटेंड कर रहा हूँ, अभी एक्सप्लोरेशन का काम और तमाज का काम चल रहा है, मेरे ऑफिस में जो काम होता है उसमें भी व्यस्तता होती है। पिछली बार मैंने अपने आप को एक वॉलंटियरिंग असाइनमेंट के लिए ज्वाइन के लिए प्रयास किया था पर मेरी व्यस्तता के कारण वो हो नहीं सका। अभी मैंने अपने आप को ये जो कल से शुरू हो रहा है कोर्स ऑनलाइन उसके लिए मैंने अपने आप को वॉलंटियरिंग के लिए अपलोड किया है, देखते हैं उसको मैं किस तरह से निभा पाता हूँ, मेरी कोशिश तो रहेगी। भैया अरे जो जितनी चीज़ें चल रही थी तो मेरा इस बात का बड़ा ये था कि कोई भी आदमी दूसरे को अलग मानता है या फिर एक जाति का दूसरे जाति से, एक धर्म का दूसरे धर्म से संघर्ष ही चल रहा है, और इस संदर्भ में जितने भी अलग अलग दर्शन आए हैं तो उसमें कभी हमको दिखता है सांख्य दर्शन है, जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है,
इनमें कुछ बातें समानता की, बंधुत्व की बातें की थी, और हमने ये भी देखा है कि उनका जो प्रभाव या अभी जो आज की जो स्थिति है वो भी एक धार में आ जाती है। अब ये नए सिरे से इस यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज और मदर्स दर्शन के साथ हम अभी आगे चल रहे हैं, तो ये हम सभी के लिए आशा की चीजें हैं, क्योंकि इसमें जीना बन पा रहा है, क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें अपने जीवन में सामने आ रही है। और इसी प्रभाव के कारण मैंने अपनी बच्ची को भी इस कोर्स को अटेंड करने के लिए बोला है, और उसने वैसे भी जीवन विद्या का शिविर किया है। मेरी दोनों बहनें जीवन विद्या के शिविर को कर चुकी हैं, और धीरे धीरे उनके जीवन में भी बहुत सारी तब्दीली आ रही है, मेरे अपने परिवारों में तब्दीली आ रही है। और जैसे जैसे किसी सत्र को अटेंड करते हैं, किसी सेशन को अटेंड करते हैं, तो वैसे मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। जैसे सुविधा के बारे में जो बात चली बीच में जब सत्र के दौरान, तो लिटरली ये बात मैंने अपने घर के लोगों से शेयर की, और आज मुझे बड़ी खुशी है कि हम सभी परिवार के साथ मिलकर अपनी सुविधाओं को कुछ कुछ स्तर तक, हद तक तय कर पा रहे हैं। जो संबंधों की बात है उसमें भी बहुत सारा एक बदलाव सा आ रहा है। मेरे अपने जीने में भी एक स्थिरता आ गई है। भाव और विचार के जो पहले घर्षण होते थे, जो संघर्ष होता था, वो संघर्ष अभी बहुत कम हो गया है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि जितना समय मुझे मिलता है मैं दर्शन को या फिर जीवन विद्या के या फिर यूएचयू के जो भी कंटेंट जैसे मिलता है वहां से मैं उसको लेने की कोशिश करता हूँ। अभी तक मैंने जीवन विद्या के जो श्रद्धेय एनागर जी की 12 किताब है उसको मैंने एक बार पढ़ा है। ये फाउंडेशन कोर्स इन यूएचयू एंड प्रोफेशनल एथिक्स को मैं एक बार फिर से पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। जो भी लिटरेचर अवेलेबल है उसको मैं कहीं ना कहीं से सोच लगा के पढ़ रहा हूँ। और अभी जो मेरा नियोजन बनता है, अगले साल जब मैं इस शासकीय सेवा से निवृत्त हो जाऊंगा, तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपना आगे का जो पूरा जर्नी है इस विचार के साथ में, दर्शन साथ में जीने और भागीदारी करने के संदर्भ में डालू। और इसलिए मैंने पिछले साल एक नियोजन बनाया था कि जिसमें मैं सबसे पहले इसको पढ़ू और अपने अंदर इनकलकेट करूँ, और अपने जो मेरे संगी साथी सगे साथी हैं उनसे मैं शेयर करूँ, क्योंकि ये दर्शन है। और जहां तक मेरा अभ्यास अब तक गया है, मुझे एक समझ में आती है कि ये पूरी सारे पुरानी दर्शन के लिए विकल्प है। अगर हम इसकी शब्दावली को, इसकी जो भी बातें हम यहाँ पे कहते हैं उसको अगर किसी हमारी पारंपरिक मान्यताओं के साथ में, पारंपरिक अन्य दर्शनों के साथ में जोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं इसके साथ में अन्याय करेंगे। मेरी एक सभी से रिक्वेस्ट रहेंगे कि इसको हम एक स्वतंत्र दर्शन और एक बहुत ही सटीक दर्शन के रेफरेंस में और उसी अर्थ में अगर देखेंगे, तो मुझे लगता है हम इस अपने प्रयास में अधिक सफल हो जाएंगे। एक और मेरी एक आशंका मैं यहाँ पे व्यक्त करना चाहता हूँ कि मेरे जो एक्सप्लोरेशन है वो चल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक अलग आत्मविश्वास पैदा हो रहा है और एक विश्वास भी पैदा हो रहा है कि हाँ इस चीज से हम आगे बढ़ सकते हैं। आप सभी का, आप सभी ने मुझे सुना और मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके उपरांत मैं कुमार संभव जी इन्हें आमंत्रित करती हूँ अपने नैतिक मानवीय आचरण पर अपने विचार रखने के लिए। जी नमस्ते सभी को। तो आज के लिए हाँ हम लोगों ने सोचा है नैतिक मानवीय आचरण पर चर्चा करने की। तो हर संडे को हम लोग एक कीनोट लेक्चर रखते हैं, और उसमें वस्तु को लेकर, कार्यक्रम को लेकर या भिन्न भिन्न जो आयाम जुड़ते हैं किसी कार्यक्रम से, उसको लेकर बात रखते रहे। तो सिलसिलेवार ढंग से बढ़ते हुए हम लोगों ने 4 स्तर पर व्यवस्था के लेकर चर्चा की थी। उसके बाद अभी पिछले 3-4 महीनों में हम लोग उससे जुड़े कुछ मुद्दों पर चर्चा करते रहे। तो अस्तित्व की व्यवस्था को लेकर हमने चर्चा की थी। अब आगे हम नैतिक मानवीय आचरण पर चर्चा करेंगे। तो आज के सत्र में हम लोग मुद्दों पर बात करेंगे। तो 4 स्तर की व्यवस्था पर हमने चर्चा की थी। उसमें अस्तित्व की व्यवस्था पे हम लोग की आखिरी चर्चा हुई थी, और इस तरह से व्यवस्था की चर्चा पूरी होती है। तो अब उसके बाद इस पूरी समझ के साथ, व्यवस्था की समझ के साथ हमारा जीना कैसे होगा, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। इसी को नैतिक मानवीय आचरण का, और यहाँ पे हम लोग 2 मॉडल प्रस्तुत करेंगे, और फिर उसके बाद जो आज के दिन समाज की स्थिति है उसका संक्षेप में एक हम समीक्षा भी करेंगे और आगे के लिए कार्य योजना भी बात करेंगे। तो एक मॉडल ये है जो हम लोगों ने जब अस्तित्व की व्यवस्था पर चर्चा की थी तो ये बात निकल कर आई थी। अगर स्वयं की ओर ध्यान देते हैं तो दिखता है कि हमारे में 2 आयाम है। एक है ज्ञान का, अनुभव का, जानने का आयाम, और एक है कल्पनाशीलता का, विचार का आयाम। तो कल्पनाशीलता के आयाम में ये 5 क्रियाएं हैं: चित्रण, विश्लेषण, संतुलन, चयन, आस्वादन। और
ज्ञान के अनुभव के आयाम में ये 5 क्रियाएं हैं, प्रमाण, अनुभव, संकल्प, बोध और चिंतन। तो ये दिखता है कि अनुभव की क्रिया मुझ में संभव है। अनुभव का मतलब है सहअस्तित्व को जैसा है वैसा देखना। बोध का अर्थ है कि व्यवस्था को जैसा वैसा देखना, और चिंतन का अर्थ है संबंध को जैसा वैसा देखना। चिंतन में हमें भाव स्पष्ट होते हैं, वो भाव जो हमें सहज रूप से स्वीकार है, उसी को संबंध कहा, उसी को स्वभाव कहा, उसी को अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी कहा, जैसे विश्वास का भाव, सम्मान का भाव, स्नेह का भाव। व्यवस्था की बात करें तो हर इकाई के बारे में दिखता है कि स्वयं में व्यवस्था है, और जब हम प्रकृति की हर इकाई को जोड़कर देखते हैं तो चार अवस्थाएं दिखाई देती हैं, चारों अवस्थाओं की स्वयं व्यवस्था दिखाई देती है। ये मुझे दिख जाए, जैसा वैसा दिख जाए कि मानव की व्यवस्था क्या है, जीव अवस्था की व्यवस्था क्या है, प्राण अवस्था की व्यवस्था क्या है, पदार्थ अवस्था की व्यवस्था क्या है, इसको बोध कहा। और पूरी प्रकृति कैसे शून्य में संपृक्त है ये देख पाना अनुभव है। तो मुझे स्वयं को शून्य में संपृक्त देखते हुए, पूरी प्रकृति को शून्य में संपृक्त देखते हुए अनुभव की क्रिया होती है। इसके आधार पर मुझे प्रमाण मिलता है कि अब ये जो संपृक्तता दिख गई, अब इसके आधार पर ही मेरी सारी क्रियाएं पूर्ण होने वाली हैं, इसका प्रमाण मुझे मिलता है। तो जो बोध हमें आंशिक रूप से व्यवस्था का बोध हो रहा था उसमें पूर्णता होती है, फिर उसी के आधार पर पूरी कल्पनाशीलता सज जाती है, जिससे मेरे भाव का जो चिंतन हो रहा था इस संपृक्तता के अनुभव के साथ वो चिंतन पूरा होता है। अब उससे गाइडेंस मिलता है विचार के आयाम को, तो उससे चित्रण की क्रिया अब स्पष्ट होती है। तो अब जब भी मैं चित्रण करता हूँ, संबंध व्यवस्था सहअस्तित्व के आधार पर करता हूँ, इस आधार पर ही मेरे अंदर विचार चलते हैं, विचार में तुलन और विश्लेषण की क्रिया होती है। तो तुलन का मतलब है कि मैं अपने अंदर कुछ दृष्टियों के साथ तुलन करता हूँ। तो यदि हम अनुभव बोध चिंतन के साथ नहीं देख रहे हैं तो हमारा जो तुलन की क्रिया होता है वो प्रियहित लाभ के अर्थ में होता है। तो कौन ज्यादा प्रिय है और हित में देखें तो क्या ज्यादा हितकर है, लाभ में देखें तो किस तरह से विनिमय किया जाए ताकि ज्यादा लाभ मिले, इन चीजों को लेकर ही तुलन क्रिया होती है। परंतु जब हम संबंध व्यवस्था सस्तित्व को देख पाते हैं तो उसे नियंत्रित होती है, तो जो प्रिय की दृष्टि है वो प्रवृत्तियों में परिणत हो जाता है, जो हित की दृष्टि है स्वास्थ्य में परिणत हो जाता है, और जो लाभ की दृष्टि है प्रतिफल के रूप में परिणत हो जाता है। तो अब जब मैं विश्लेषण करता हूँ तो मैं संबंध व्यवस्था सस्तित्व के आधार विश्लेषण करता हूँ, जिसका मुझे हर क्षण सुख मिलता है, सुख का आस्वादन करता हूँ। पहले जो आस्वादन हो रहा था वो देखें तो रुचि मूलक था, यानी शरीर से मिलने वाली संवेदना से पाने वाले सुख को लेकर केंद्रित था वो, परंतु अब संबंध व्यवस्था सहअस्तित्व के साथ ये नियंत्रित होता है। और अब जब मैं चयन करता हूँ जीने में अपने व्यवहार कार्य की भागीदारी की, तो इसी आधार पर करता हूँ। तो मानवीतापूर्ण आचरण का एक मॉडल ये हुआ कि ब्लॉक B1 की सारी क्रियाएं जागृत हो जाए, जिससे ब्लॉक B2 की सारी क्रियाएं नियंत्रित हो जाए। अब अगर ब्लॉक B1 जागृत हो गया, ब्लॉक B2 नियंत्रित हो गया, तो मेरा व्यवहार कार्य और परस्परता में भागीदारी सहज रूप से नियंत्रित हो जाता है। अब जब भी मैं व्यवहार करूंगा वह सुख के अर्थ में करूंगा, जिसमें मेरा भी सुख हो, अगले का भी सुख हो। जब भी कार्य करूंगा तो पूरी दृष्टि हमारी वह समृद्धि की होगी, ताकि मेरे अंदर समृद्धि का भाव बना रहे और शेष प्रकृति भी संवर्धित हो, संरक्षित हो, उसका सदुपयोग हो। और इसी तरह से मैं अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करूंगा, परिवार की व्यवस्था हो, परिवार समूह की व्यवस्था हो, आगे चलते हुए सार्वभौम व्यवस्था में अपनी भागीदारी को कर पाता हूँ। तो यदि मैं के विकास को केंद्र में रखकर देखें तो ऐसा दिखाई देगा। तो अल्टीमेटली हम जो काम कर रहे हैं वो यही काम कर रहे हैं कि स्वयं में चिंतन बोध अनुभव को जागृत करने का काम कर रहे हैं, और उससे हम सबको अपने अपने कल्पनाशीलता में परिवर्तन परिमार्जन दिखाई दे रहा है, उसे हमारे व्यवहार कार्य भागीदारी में परिवर्तन परिमार्जन दिखाई दे रहा है। तो स्वयं में हम जितना निष्ठापूर्वक अनुभव के आयाम के लिए काम करते हैं, उतना ही कल्पनाशीलता के आयाम में परिमार्जन होता है, उतना ही हमारे जीने में परिमार्जन होता है। ये एक स्वरूप हुआ, तो इसको स्वयं में देखना बनता है। तो अगर मुझे अपने आचरण का मूल्यांकन करना होगा तो मैं देखूंगा कि मेरे अंदर जो विचार चला उसके पीछे भाव क्या था, वो जो भाव था वो चिंतन पे आधारित था या किसी मान्यता पे आधारित था, जो दृष्टि थी वो संबंध व्यवस्था सहअस्तित्व के अर्थ में थी या अन्यथा थी। तो इसको अब मैं वहां से देखना शुरू करूंगा।
तो सहज रूप से मेरा आचरण नियंत्रित रहेगा। तो एक छोर पर मैं अपने अंदर अनुभव के लिए काम करता हूँ, दूसरे छोर पर फैल कर सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करता हूँ। तो अगर मैं स्वयं में देखता हूँ तो दिखता है मुझे कि मैं अभी तक कहाँ तक जागृत हुआ, मेरे अंदर चिंतन की क्रिया जागृत हुई कि नहीं, बोध की क्रिया जागृत हुई कि नहीं, अनुभव की क्रिया जागृत हुई कि नहीं। एक छोर पर मैं इसके लिए काम करता हूँ और एक बार अनुभव की क्रिया जागृत होती है उससे एक लय बन जाता है, एक संगीत बन जाता है मेरी सारी क्रियाओं में और मैं निरंतर सुख की स्थिति में रहता हूँ। तो मैं स्वयं को शून्य में समटी के देखता हूँ, मैं पूरी प्रकृति को शून्य में समटी के देखता हूँ, उससे मेरे भाव हमेशा संबंध के अर्थ में ही होते हैं, हर इकाई के साथ, चाहे मानव हो या शेष प्रकृति हो। कल्पनाशीलता पूरे समय इसके लिए समर्पित होती है, संबंध व्यवस्था संस्कृति के लिए समर्पित होती है। और जो बाहर मेरा आचरण है, एक्सप्रेशन है, वो समर्पित होता है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था मानवीय परंपरा के। तो अखंड समाज मतलब हर मानव के साथ मैं संबंध को ठीक ठीक देख पाता हूँ, मेरे भाव कहीं खंडित नहीं होते, अपना पराया कोई भेदभाव नहीं होता। मैं भागीदारी करता हूँ तो मानव लक्ष्य की पूर्ति के अर्थ में करता हूँ और मैं पूरी भूमि को ही अपने घर जैसा देखता हूँ, अपने परिवार जैसा देखता हूँ, एक सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी कर रहा होता हूँ। और सिर्फ मेरी दृष्टि इस पीढ़ी तक नहीं जाती बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी व्यवस्था बनी रहे धरती पर, जिसको मानवीय परंपरा कहेंगे, वहां तक मैं देख पाता हूँ। उसका सहज रूप से मुझ में जो स्थिति बनती है तो मैं हर क्षण सुख का आस्वादन करता हूँ। विचारों में अब कोई अंतर विरोध, कोई प्रतिक्रिया, कोई अंतर्द्वंद नहीं रहा, मुझे शांति होती है। तो विचारों में हर क्षण मैं शांति को देख पाता हूँ, मेरी इच्छाएं निश्चित होती हैं जिससे स्वयं में मैं संतोष की स्थिति में रहता हूँ। और अनुभव के आधार पर जब मैं बोध को पूर्ण पाता हूँ तो मैं आनंद की स्थिति में रहता हूँ। अनुभव में होता हूँ तो परमानंद की स्थिति में भी मुझे स्वयं को मैं इस स्थिति में देख पाता हूँ। तो ये मेरे अंदर मूल्य है जो दिखाई देते हैं ज्ञान के आधार पर। तो ये भाव मेरे अंदर स्थापित रहते हैं, सुख शांति संतोष आनंद, और इसके साथ ही मैं जीता हूँ। तो जीने में प्रेम का भाव, करुणा का भाव मेरे आचरण में सहज रूप से दिखाई देता है। तो अगर इसको चार भाग में रखें तो ब्लॉक B1 मेरे ज्ञान का अनुभव का आयाम हुआ, ब्लॉक B2 कल्पनाशीलता का विचार का आयाम हुआ, ब्लॉक B3 मानव के साथ संबंध का निर्वाह हुआ, ब्लॉक B4 पूरी प्रकृति के साथ संबंध का भागीदारी का निर्वाह का आयाम हुआ। जितना जितना मैं स्वयं में अनुभव के लिए आता हूँ उतना ही बाहर मैं फैल कर संबंध व्यवस्था संस्कृति के अर्थ में अव्यक्त हो पाता हूँ। तो ये जो बाहर पे दिखाई दे रहा है ये अभिव्यक्ति है, जो भीतर काम कर रहा हूँ वो उसके आधार में है और ये एक लय मेरे अंदर बना रहता है। अब अगर हम अभी की स्थिति देखें तो अभी हो सकता है हम ब्लॉक B1 में एंटर ही ना कर पाए, यहाँ पे अभी कोई क्रिया जागृत नहीं हो सकता है। अगर जितनी हो गई है उसके आधार पर मेरी कल्पनाशीलता नियंत्रित हुई है, आगे का काम शेष है, तो अभी हम कुछ ऐसी स्थिति में है ना। और इस स्वयं में जितना हम निष्ठापूर्वक काम करेंगे सहज रूप से परस्परता में व्यक्त होता ही। तो यहाँ पे अगर मॉडल 1 में देखें तो हम स्वयं में ज्ञान को केंद्र में रखकर फिर आचरण को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आचरण एक सहज प्रतिफलन है उसका, ज्ञान में उतरेंगे तो आचरण में परिमार्जन होगा ही होगा। मुझे एक बार दिख गया कि सही क्या है, मुझे दिख गया कि संबंध ही है, तो मेरे अंदर कभी विरोध का भाव नहीं आएगा। मुझे दिख गया कि व्यवस्था ही है तो मैं कभी भी अव्यवस्था का अर्थ में विचार नहीं करूँ। मुझे एक बार दिखता है कि मानवीय परंपरा के लिए काम करना है, कभी भी मैं सिर्फ एक पीढ़ी के लाभ के लिए, हित के लिए विचार नहीं करूंगा, मैं पूरी मानव परंपरा के लिए विचार करूंगा, ये सहज रूप से होगा ही। जी इतनी बात को लेकर कहीं कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। तो मॉडल 1 में 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि ब्लॉक B1 की क्रिया जागृत हो गई है और फिर हम वहां से ब्लॉक B2 की क्रिया को देखने का काम कर रहे हैं, है ना। तो हम डाउनवर्ड्स मूव कर रहे हैं, यानी अनुभव की क्रिया जागृत हो गई है, उससे प्रमाण जागृत हो गया है, उससे बोध की क्रिया पूर्ण हो गई है, उससे संकल्प जागृत हो गया है, उससे चिंतन की क्रिया पूर्ण हो गई है, उससे पूरी कल्पनाशीलता नियंत्रित। दूसरी पॉसिबिलिटी जहाँ हम खड़े हैं, अभी हम हायर एक्टिविटीज की तरफ मूव कर रहे हैं, तो अभी हम कहीं बीच की स्थिति में हैं और हम अपने आप में स्वयं में अनुभव की क्रिया तक पहुंचने का और परस्परता में भागीदारी में हम मानवीय परंपरा तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे लिए अगर देखें तो मॉडल 1 में भी जो पहली पॉसिबिलिटी है जहाँ हम हायर एक्टिविटीज की तरफ मूव कर रहे हैं वो दिखाई देता है। तो अब अगर इसको और विस्तारित किया जाए, जो पहला पार्ट है, तो कुछ ऐसा बनेगा। अभी हम जहाँ खड़े हैं तो अभी ब्लॉक B1 एक्टिव नहीं हुआ है, बट इसको एक्टिव करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हमारी कल्पनाशीलता में कुछ चल रहा है, इससे हम ऊपर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी जो अभ्यास 1 कर रहे हैं उसमें कहते हैं भाव के प्रति सजग हो जाए, भाव कहाँ है, इच्छा के स्तर पर। अभी उस पर ज्यादातर समय हमारी
जो सजगता रहती है विचार के स्तर पे रहती है या आशा के स्तर पे रहती है। अगर आशा के स्तर पे है महज रूप से, तो बाहर से कुछ पाकर सुखी होने में लगे हों, कुछ ऐसा चयन करें कि बाहर से कोई आस्वादन मिल जाए जिससे हम सुखी हो जाए, तो दृष्टि बाहर की हो। तो एक काम जो महत्वपूर्ण है अपने लिए करने के लिए कि बाहर से दृष्टि को समेट कर स्वयं मिलाना है ना। दूसरा कि जो भी मेरी कल्पनाशीलता में चल रहा है उस पर ठीक से ध्यान देना है, चल क्या रहा है। और तीसरा जो मेरे में अनुभव बोध चिंतन की संभावना है, जो सहज स्वीकृति के रूप में मुझे दिखाई देती है, उस पर ध्यान देना है। तो ये काम जितना सटीकता से करेंगे उतना उतना ब्लॉक B2 में सुख शांति बढ़ेगा और इच्छा के स्तर पर संतोष का भाव बढ़ेगा और हम आनंद की स्थिति में धीरे धीरे पहुंचने के लिए तत्पर होंगे, गतिशील होंगे। तो हम नीचे से ऊपर की ओर भी गति कर रहे हैं। अभी हम सबके आकलन के लिए है कि अभी हमारे जीने का स्तर क्या है। आशा के स्तर पर जी रहे हैं, विचार के स्तर पर, इच्छा के स्तर। अगर आशा के स्तर पर जी रहे हैं तो बाहर की घटनाओं से बहुत प्रभावित हो रहे होंगे। दूसरे का व्यवहार ठीक नहीं हुआ, दूसरे का कार्य ठीक नहीं हुआ, है ना, दूसरे में साथ भागीदारी ठीक नहीं की, तो सब प्रभावित हो जाते हैं और आस्वादन बिगड़ा और उसके बाद हमारा पूरा दुख फैल गया कि नहीं। विचार के स्तर पर जी रहे होंगे तो हम ज्यादातर समय विचारों में बह रहे होंगे, तुलन विश्लेषण में लगा रहे हैं, उसमें भी तुलन में जो दृष्टियां काम करती होंगी प्रेरित लाभ के अर्थ में ज्यादातर समय काम करती होंगी। और इच्छा के स्तर पर बहुत सारी मान्यताएं बैठी होंगी जो हमारे संस्कार के रूप में स्थापित रहती हैं और है ना वो हमारे पूरे जीने को प्रभावित करती रहती हैं। तो अभी हमको इच्छा के स्तर पर भी हो सकता है जागृत होने के लिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ताकि कम से कम चित्रण तो हम कर पाए, हम संबंध का चित्रण तो कर पाए, व्यवस्था का चित्रण तो कर पाए। भी आप देखिए तो अभी धीरे धीरे जिस तरह का शिक्षा संस्कार दिया जा रहा है, तो परिवार में 3 पीढ़ियां रहें और साथ साथ सुखपूर्वक रहें, कई बार आपको दिखाई देगा कि जो अब जो पीढ़ी आ रही है इसके चित्रण में ही नहीं आता। जहाँ 3 पीढ़ियों के साथ साथ रहने की बात होती है तो ऐसा लगता है अच्छा फिर तो मेरा शोषण हो जाएगा, मेरा दोहन हो जाएगा कि नहीं, सबके अनुसार चलना होगा। तो अभी जिस तरह से अभी शिक्षा संस्कार जा रहा है उसमें तो दिखता है बात है, व्यवस्था का चित्रण ही नहीं कर पाते, सहस्तित्व का चित्रण ही नहीं कर पाते। तो संबंध के स्थान पर अगर देखें तो मनमानी का चित्रण फैलता रहता है, व्यवस्था के आधार पर माने ही रहते हैं कि अव्यवस्था है, मुझे उसमें किसी तरह से अपने आप को सर्वाइव करना है, और सहस्तित्व की बात तो ध्यान में ही नहीं आती। तो अभी ऐसा हो सकता है कि हमारे जिस तरह का संस्कार बन गया है, हमको अभी नीचे भी ब्लॉक B2 में बहुत सारा काम करना है। तो बाहर से दृष्टि समेट कर स्वयं में आ जाए, स्वयं में आशा से उठकर विचार, विचार से उठ के इच्छा पे हम शिफ्ट हो पाए, अपने भाव पे काम कर पाए, तब जाकर ये आगे का काम। तो अभी भी अगर हम अपने आचरण का मूल्यांकन करेंगे तो इस मॉडल के अनुसार हम देखेंगे तो हम अपने ब्लॉक B2 में जो एक्टिविटी लेवल है उसको देखेंगे, ब्लॉक B1 में जो संभावना है, जो स्वीकृति है सहज रूप से, उसको देखेंगे और फिर इसमें काम करेंगे। इतनी बात को लेकर कोई प्रश्न हो तो बता सकते हैं। ये चित्रण के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? मतलब उदाहरण देकर। मौलिक रूप से जो चित्रण है वो ये है कि हम निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीना चाहते हैं, बट वो तो जी चित्रण हमको बहुत स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि निरंतरता स्पष्ट नहीं है, सुख स्पष्ट नहीं है, समृद्धि स्पष्ट नहीं है, चाहना स्पष्ट नहीं है, होना स्पष्ट नहीं है। तो हम किसी प्रकार से जो प्रयास करते हैं वो तो इसी अर्थ में होता है कि निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीने का चित्रण कर पाए। होता यह है कि चूंकि ये स्पष्टता नहीं है तो हम इसको पूरी तरह से चित्रित नहीं कर पाते, तो विचारों में आ जाते हैं, विचारों में फिर बहुत सारे विकल्पों में हम विश्लेषण तुलन करते रहते हैं, और चूंकि हमको हर बार लगता है कि सुख का स्रोत बाहर है तो हम बाहर की ओर भागते हैं कुछ बाहर से आस्वादन पाने के लिए। तो चित्रण का मूल अर्थ तो इतना ही है कि निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीने का चित्रण हो जाए। और अभी जी क्योंकि नहीं बिल्कुल चित्रण कर पा रहे हैं तो बहुत सारी मान्यताएं यहाँ मिक्सड अप रहती हैं, निरंतरता को लेकर हम शंकाग्रस्त रहते हैं, सुख को लेकर हम कंफ्यूज रहते हैं, समृद्धि को लेकर हम कंफ्यूज रहते हैं, होने को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, मैं हूँ क्या, शरीर हूँ, मैं हूँ क्या है ना, तो ये सारा कंफ्यूजन वहां बना रहता है। जी भैया जी, मतलब हम विजुअलाइज कर पाए कि हमें किस तरह का जीवन जीना है, क्या ये सही है भैया? हाँ, किस तरह का कहें या हमें निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीना है। हाँ, जो B1 ब्लॉक में जाने के बाद जिस तरह का जीवन होना चाहिए उस तरह का जीवन हम जी पाए, क्या ये जी सही है? जी जी भैया, अभी धन्यवाद। तो उसका चित्रण भी पूरा नहीं होता। जैसे अगर हमको अभी भी चित्रण करना हो कि निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीते हुए मैं मानव के रूप में कैसा होऊंगा, मेरे संबंध कैसे होंगे, मेरा परिवार कैसा होगा, मेरा आस पड़ोस कैसा होगा, मैं शरीर का रख रखाव कैसे करूंगा, आसपास की प्रकृति कैसे होगी, उसका हम चित्रण भी अभी पूरा नहीं कर पाते, ये हमारे लिए सीमा बन जाती है। भैया जी नमस्ते, नमस्ते जी। मैं 2021 में जॉब में आई हूँ। मेरी उम्र अभी 45 है और 2021 के पहले मेरा ध्यान ज्यादा से ज्यादा खाने पीने में, कपड़े अच्छे कपड़े होने में था रहता था। और भैया मतलब कि मुझे
बहुत जल्दी दूसरों की बातों को बुरा लगता था, लेकिन अभी मैं कुछ दिन से आपकी इसमें ज्वाइन हुई हूँ, UHP में, तो मुझे मतलब कि कपड़ों की तरफ भी अब ज्यादा ध्यान नहीं रह रहा है, और खाने पीने में भी कि बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए, हेल्थ कॉन्शियस हो रही हूँ, लेकिन अभी भी भैया मेरे दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं दूसरों को लेकर। यदि मैं इस यहाँ से फ्रेश होकर जाती हूँ, विद्यालय में जाती हूँ, दिमाग लो किसी कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स मैंने देखा तो मेरे मस्तिष्क में उसके लिए अगले व्यक्ति के लिए थॉट्स चलने लगते कि ये कैसा है, ये क्यों है, ऐसा क्या है, मैंने क्या गलत कर दिया, मेरे साथ क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। भाई मिस्टेक्स होती रहती हैं, मिस्टेक्स होती रहती हैं, लेकिन वो क्या है कि मेरे दिमाग में चलता रहता है और मैं इसके कारण मैं अपने आप में स्थिरता नहीं पा पा रही हूँ। इसका मतलब यही हुआ कि अभी स्थिति कुछ कल्पनाशीलता में इस प्रकार की हो सकती है कि कहीं अभी हम आस्वादन के स्तर पे जी रहे हैं या विचार के स्तर पे जी रहे हैं, है ना। अभी हमको भाव की स्पष्टता होनी है, तो भैया बाहर चीजें अनुकूल हमको हो, जी भैया, जी भैया, बाहर चीजें अनुकूल हो अभी इसको लेकर आशा बनी हुई है ना। और वो जब नहीं पूरी होती तो हम निराश होते हैं। तो जी अभी भैया, अपने को थोड़ा अभी जीने का ढंग बदलने की जरूरत है। ये जो बाहर से कुछ पाकर सुखी होने की आशा है, चाहे शरीर से मिलने वाले आस्वादन या दूसरे से मिलने वाले भाव, उसके स्थान पर हमको दिखाई दे कि सुख का स्रोत तो भीतर है। ये अनुभव बोध चिंतन की क्रिया जागृत होना ही सुख का स्रोत है। कम में कुछ भी करेंगे फिर हम बाहर से कुछ पाकर सुखी होने जाएंगे। तो अभी इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी हम इसके लिए ठीक से काम नहीं कर रहे। हमको दिखाई दे कम से कम कि अगर बाहर से सुख भी मिल रहा है तो हमको दिखाई दे कि क्षणिक है, सामयिक है। तो एक संभावना है कि बाहर से दुख मिल रहा है तो हम परेशान होते हैं, बाहर से सुख मिल रहा है तो भी हमको सजग हो जाने की जरूरत है। ये बाहर से मिल रहा है, भीतर इसका स्रोत अभी स्थापित नहीं हुआ है। ये बाहर से जो मिल रहा है कभी बंद हो सकता है। आप सुबह का सत्र अटेंड करती हैं? सभी जी भैया मैंने आज शुरू किया है। जी साथी इस तरह के प्रश्नों को रखते हैं और आप पाएंगे कि जो सुबह चर्चा हो रही है ना, भाव के प्रति सजग होना, उसमें परिमार्जन करना, शरीर से मिलने वाली संवेदना के प्रति सजग होना और उसको जो अर्थ दे रहे हैं उसमें परिमार्जन करना, तो उससे आपके सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे। भैया नमस्ते सभी को, बहुत ही अच्छी नमस्ते। चर्चा चल रही। भैया एक थोड़ा सा ये सवाल आया, आपने सहज होने की बात की है और अभी कुछ डिस्कशन भी चला, तो भैया क्या हम जो जो फीलिंग्स में तीसरा पार्ट है डिजायर, थॉट और एक्सपेक्टेशन सेल्फ में जो होता है, तो वो एक्सपेक्टेशन को हम थोड़ा कम कर सकते हैं? अगर थोड़ा सा ये जो कि हम सर्ज होने की बात कर रहे हैं वो हो सकता है क्या थोड़ा प्रयास करने के बाद? कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा है कि हम अभी इच्छा के स्तर पे एक्टिव हो जाए तो जो एक्सपेक्टेशन का दबाव है अपने आप कम हो जाता है। अभी तो क्या है कि इच्छा के स्तर पे एक्टिव नहीं हो पा रहे ठीक से, है ना। हम जी भाव को सजग होकर देख नहीं पा रहे, भाव को चित्रित नहीं कर पा रहे, संबंध को चित्रित नहीं कर पा रहे, इसलिए बाहर से आशा लगी हुई है। ये तो फिर हाँ आपको दिखाई दे कि मेरी भागीदारी क्या हो। जैसे ही हम इच्छा के स्तर पे काम करने जाते हैं ना, हमको अपनी भागीदारी पर ध्यान जाता है। अपनी जी भागीदारी का मूल्यांकन करते हैं कि मैं कैसा जी रहा हूँ, मैं कैसा कर रहा हूँ, मेरी भागीदारी कैसी। जब अपनी भागीदारी, अपनी जिम्मेदारी स्पष्ट होती है तो दूसरे को लेकर शिकायत कम होने लगता है, क्योंकि हमको दिखता है कि देखो ना, मैं तो पूरी नहीं कर पा रहा, उसके लिए मेरे पास कारण है, तो अगला भी पूरा नहीं कर पा रहा, उसके पास भी कारण है। जी और हम चर्चा को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। हम लोगों ने मॉडल वन पे बात किया, उसमें भी दो जी बात से मिलता जुलता है, जैसे भगवत गीता में चैप्टर 2 में भगवान कृष्ण अर्जुन को एडवाइस देते हैं कि ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामः क्रोधा विजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। और ये दो जो श्लोक है ना, ये गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी में भी ये सेम श्लोक लिखा हुआ है कि जैसा आप चिंतन करेंगे, जिस विषय के बारे में सोचेंगे, उस चिंतन करेंगे, उसी से आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उसमें उसको प्राप्त करने की इच्छा, प्रबल इच्छा जागृत होती है, और उसमें थोड़ा सा अगर विरोध हो तो फिर गुस्सा उत्पन्न होता है और गुस्सा से विस्मृति का भ्रम हो जाता है, स्टेट ऑफ डिल्यूजन पैदा होता है और आदमी किसी भी जी स्तर जी से अभी नीचे उसके गिर बहुत सकता है। विस्तार में नहीं जाते हैं, है ना। तो देखिए अभी जो हम लोग बात कह रहे हैं ना, तो संबंध पूर्वक जी पाए, व्यवस्था पूर्वक जी पाए, सहअस्तित्व पूर्वक जी पाए, तो परंपरा में जितने भी ज्ञान के लिए प्रयास हुए और जो दर्शन आए उसमें मूल रूप से यही बात निकल कर आई है। तो अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है, अलग अलग अच्छा प्रकार एक से चीज जो बात मैं रखी। थोड़ा सा पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे हम लोग विज्ञान के छात्र रहे हैं, आप भी सब हम लोग पहले विज्ञान के छात्र रहे हैं, तो जनरली ऐसा होता है ना कि किसी भी चीज को वैज्ञानिकता के आधार पर परखना कि सही है या गलत है ना। तो जैसे एक चीज हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भी बोलते हैं उनको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ एक चीज ऐड हो कि ये जो रिलीजियन और स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों दो चीज होता है, और रिलीजियन आदमी को गलत रास्ते पर लेके जा रहा है पूरी दुनिया में,
तो क्यों ना इसके माध्यम से इस चीज को थोड़ा स्ट्रेस दें कि रिलीजियन में वही चीज एक्सेप्ट करें जो कि मानव कल्याण के लिए जरूरी है ना। जैसे हमारे वेद में आपने मांगते हैं, आप वर्कशॉप किया है कोई? एक मिनट एक मिनट, आपने वर्कशॉप किया है? अच्छा जी जी किया है, मैं लेक्चर उक्चर भी देता हूँ जगह जगह, मतलब जहां भी मौका मिलता है। तो मेरा मानना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब कि जो अच्छी सत्य बातें हैं उसको बोलने में डर क्यों लग रहे हैं लोग। के जी रिलीजन का हिंदी शब्द है धर्म। ना 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 ना, ये गलत कर रहे हैं आप सर। जी रिलीजियन मतलब धर्म, धर्म तो बहुत अच्छा चीज होता है, रिलीजियन अच्छा चीज नहीं है। ये ट्रांसलेशन जरूरी थोड़ा सा आप है सुधार लीजिए। ठीक रिलीजियन है। मतलब पंथ होता है या मजहब होता है, धर्म तो बहुत अच्छा चीज होता है, मातृ धर्म पितृ वही तो धर्म। मैं उसके अच्छे अर्थ में बात कर देता हूँ, बाकी को क्या बात करेंगे। तो जो आशय है, इंटेंशन है, वो धर्म को समझना। देखिए अभी तो हम लोग समस्या की समीक्षा करते जाएंगे, है ना, कि लोग भ्रमित हैं, लोग गलत जी रहे हैं, नैतिक आचरण का जो अनैतिक आचरण है, समाज में अव्यवस्था है, परिवार में अव्यवस्था है, मैं प्रकृति को ये दोहन समझ रहा प्रति। हूं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक चीज लास्ट करके समाप्त करता हूं कि जी जैसे मान लीजिए कि एक्स वाई जेड बहुत सारे फिलोसफीज हैं, इसमें क्या है, जो अच्छे फिलोसफी है उसके लोग तो हो रहे हैं, जहां फिलोसफी थोड़ा गड़बड़ है वो सोचते हैं अच्छा ये तो है, लेकिन ये चीज थोड़ा सा कैसे फैलाया जाए इस पर सोचना होगा। जो बात कही जा रही है वो यही कही जा रही है। इनफैक्ट जो बोध की वस्तु है वो धर्म है, धर्म की वस्तु है संबंध है यानी न्याय है, और जो अनुभव की वस्तु है शास्त्रित्व यानी सत्य है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं न्याय धर्म सत्य को लेकर ही बात कर रहे हैं, और यही बात हो रही है कि शिक्षा में जाए। एक बार शिक्षा में जाएगी तो लोगों के संस्कार में आएगी, संस्कार में आएगी तो संस्कृति का एक रूप लेगी। तो इसके लिए अभी हम सोचते हैं कि समाज में अचानक से परिवर्तन हो जाए और हम में परिवर्तन ना हो, वो नहीं होगा। पहले हमको स्वयं में परिवर्तन सुनिश्चित करने की जरूरत है। यही तो बात हो रही है कि अभी हम कहीं कल्पनाशीलता में जी रहे हैं, इसलिए हमको बहुत सारी समस्याएं बाहर दिखाई दे रही है, उनका समाधान नहीं दिखाई दे रहा। हम अगर स्वयं में एक्टिव होते हैं तो हमको न्याय भी स्पष्ट होता है, धर्म स्पष्ट होता है, सत्य स्पष्ट होता है। फिर ये जो रिलीजन जो पंथ है, इन सबके पीछे जो इंटेंशन है वो स्पष्ट होता है। देखिए अगर हम भी इस बात को ना समझे तो हम आपस में भी विरोध पूर्वक जिएंगे, आपस में अव्यवस्था फैलाएंगे, है ना, और एक्सपीरियंस को अनुभव मानते रहेंगे, जबकि ऐसा है नहीं। तो अभी हमको अपने ऊपर ठीक से निष्ठापूर्वक काम करने की जरूरत है। जितना हम अपने ऊपर निष्ठापूर्वक काम करेंगे उतना उतना हम व्यवहार कार्य भागीदारी भी ठीक ठीक कर पाएंगे, है ना। तो ये जो समीक्षा है उपयोगी है, परंतु समाधान तो तभी है जब हम अपने आप में संबंध को, व्यवस्था को, संस्कृति को देख पाए और हमारा आचरण मानवीतापूर्ण हो। जी बढ़िया, तो ये हम लोगों ने एक मॉडल पे बात किया, अच्छी बात है। देखिए एक तो अच्छी बात यह है कि हम ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं तो स्वयं पे भी ध्यान दें, समाज पे भी ध्यान दें, है ना। अभी थोड़ा सा कठिनाई जो आती है वो ये है कि हमारी दृष्टि कई बार बाहर की ओर होती है, तो जो व्यवहार में चूक हो रही है, कार्य में चूक हो रही है, भागीदारी में चूक हो रही है, उसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जो नई नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ठीक, उस पर हम उलझ जाते हैं और हम ये नहीं देख पाते कि जो भी लोग जो भी गलतियां कर रहे हैं उनका इंटेंशन में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बस इतना है कि उनके अंदर ब्लॉक B1 एक्टिव नहीं हुआ है। ब्लॉक B1 का पोटेंशियल हर मानव में है, यही तो देखने की बात है। मेरे अंदर जब तक एक्टिव नहीं होता है, मैं भी गलतियां करता हूँ, मैं भी विरोध में जाता हूँ और अपने विरोध को जस्टिफाई करता हूँ दूसरे को देखकर, दूसरा भी मेरे विरोध में आता है, अपने विरोध को जस्टिफाई करता है मुझको देखकर, और ये चलता रहता है, रिएक्शन चलते रहते हैं। तो अगर हम मानवतापूर्ण आचरण की बात करें इस मॉडल को जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम नीचे से चलते हुए ऊपर तक पहुंचेंगे और फिर अपने आप में एक ऐसी स्थिति को हम सुनिश्चित कर पाते हैं ताकि हम में अनुभव की क्रिया जागृत हो जाए, जिससे हमारा भाव विचार निश्चित हो जाए, जिससे हमारा व्यवहार कर भागीदारी निश्चित हो जाए। ये करने का काम है, और स्वयं में हम करके देखेंगे तो हमको फिर दूसरे के प्रति उदारता का भाव आता है। हमको दिखता है कि देखो मुझे अपने में एक मान्यता का मूल्यांकन करने में, एक विरोध के भाव में परिमार्जन करने में, है ना, कितना समय लग जाता है, बरसों लग जाते हैं। तो फिर हम दूसरे को कितना ही स्पेस और मार्जिन देके चलते हैं, है ना। अदरवाइज हम दूसरे का मार्जिन तो मिनिमल कर देते हैं और अपने लिए बहुत सारा मार्जिन बना के रखते हैं। लगता है कि मुझे तो समझने के लिए मेरे ऊपर छोड़ा जाए, जब मेरी इच्छा होगी तब समझूंगा, अगले के बारे में लगता है कि मेरे कहने से उसको समझ में आना चाहिए, नहीं तो दंड मिलना चाहिए, फिर ये सब शुरू हो जाता है ना। अब हम लोग मॉडल 2 का भी अध्ययन करते हैं। तो मॉडल 2 में देखें तो हम एक दूसरे प्रकार से भी आचरण का अध्ययन कर सकते हैं, 3 भागों में, मूल्य, नीति और चरित्र। तो मूल्य मतलब जो स्वयं में स्थापित होना है भाव के स्तर पर, विचार में जो स्पष्टता बननी है उसको नीति कहा, और जो हमारे जीने में आएगा, व्यवहार कर भागीदारी में आएगा, उसको चरित्र कहा। तो वही बात है, परंतु उसको हम अब जब रख रहे हैं तो मूल्य, नीति, चरित्र के रूप में रख रहे हैं। तो मूल्य भी हमें स्थापित होंगे जब संबंध, व्यवस्था, अस्तित्व हमें स्पष्ट होगा, तभी हमारे विचार
सही नीति के अर्थ में होंगे और तभी हमारा जीना सही चरित्र के अर्थ में होगा। तो मूल्य का मतलब हुआ कि एक मानव रूप में मुझे कैसा जीना है, मेरी भागीदारी क्या हो, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका मुझे स्पष्टता हो जाए। नीति का मतलब हुआ कि उसको कैसे पूरा करेंगे, उसमें हमारी योजना, कार्यक्रम, क्रियान्वयन, फल परिणाम, मूल्यांकन, ये सभी शामिल है। तो भागीदारी स्पष्ट होती है मूल्य में, उसके लिए योजना कार्यक्रम स्पष्ट होता है नीति में, विचार में। तो तीन तरह से हम नीति को देख सकते हैं या तीन भाग में देख सकते हैं। एक तो संवर्धन की नीति है, अर्थ नीति का, तो जो वस्तु जितनी है उससे अधिक बढ़ जाए, है ना। तो अब अगर संसाधन के रूप में देखें तो तीन है, तन मन और धन। तो बढ़ने का मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास सुविधा है उससे अधिक हो तो उसका संवर्धन हो जाए, है ना। भोजन के लिए अगर पर्याप्त सुविधा नहीं है तो भोजन की सुविधा बढ़ाई जाए। शरीर संवर्धन का मतलब क्या हुआ कि शरीर का स्वास्थ्य बढ़े और मानव जाति बनी रहे। मैं के संवर्धन का मतलब क्या हुआ, तो मैं में ज्ञान पुष्ट हो, मैं में परिमार्जन हो, मैं में संबंध व्यवस्था और अस्तित्व की दृष्टि जागृत हो, तो ये मैं का संवर्धन हुआ। संरक्षण में अगर हम देखें तो तन मन धन का संरक्षण, तो सुविधा का संरक्षण इस रूप में कि जो सुविधा उत्पादित हो गई वो बनी रहे हमारे सदुपयोग के लिए। शरीर का संरक्षण कि शरीर का स्वास्थ्य बना रहे, और मैं का संरक्षण कि मैं में सही संस्कार स्थापित हो और सही संस्कार बने रहे। उसके लिए हमको वातावरण बनाने की जरूरत पड़ेगी, जितना हमको दिख गया समझ में आ गया उतने में मैं जी पाऊँ, ये मैं का संरक्षण है। और सदुपयोग का मतलब सुविधा का सदुपयोग किस अर्थ में, संबंध व्यवस्था और अस्तित्व के अर्थ में, शरीर का सदुपयोग भी उसी अर्थ में, मैं का सदुपयोग भी उसी अर्थ में। तो संवर्धन की नीति को कहा अर्थ नीति, संरक्षण की नीति को कहा राजनीति, और सदुपयोग की नीति को कहा धर्म नीति, ये तीनों को मिलाकर कहा नीति। और चरित्र का मतलब हुआ कि हमारा जो जीना है वो कैसा हो, तो हमारा व्यवहार उभय सुख के अर्थ में हो, कार्य उभय समृद्धि के अर्थ में हो, परस्परता में जो भागीदारी है वो मानव लक्ष्य के अर्थ में हो, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में के अर्थ में हो। तो इसमें तीन चीजों को लेकर चलेंगे, व्यवहार कार्य, या कि चार चीजों को लेकर चलेंगे, व्यवहार कार्य और स्वधन। व्यवहार कार्य में देखें तो दयापूर्ण कार्य व्यवहार हो, तो हमारे व्यवहार में भी दया हो, कार्य में भी दया हो। तो व्यवहार में दया का मतलब हुआ कि व्यवहार हमेशा न्याय के अर्थ में हुआ, वह सुख के अर्थ में होगा। और अभी हमसे जीने में जो चूक हुई है उसको भी हम रिजॉल्व करेंगे, उसको कहा कि फिलिंग द गैप्स, मतलब अभी हमने हो सकता है कई लोगों के साथ अन्याय किया है पहले, कई लोगों के लिए दुख के कारण बने हैं, कई लोगों के साथ व्यवहार में चूक किया है, रिएक्ट किया है। तो जब हम सही चरित्र के अर्थ में देखते हैं तो फिर हम उनके साथ भी संवाद स्थापित करेंगे, उन मनुष्यों के साथ भी जहाँ हमसे जीने में चूक हुई है, और उसको रिजॉल्व करेंगे, सिचुएशन को रिजॉल्व करेंगे। वैसे कार्य की बात करें तो हम प्रकृति का संवर्धन, संरक्षण, सदुपयोग सुनिश्चित करेंगे, ताकि प्रकृति संवर्धित हो, संरक्षित हो, सदुपयोग किया जाए और इससे हमारे अंदर समृद्धि का भाव बढ़े, और जो पहले से हमने गलतियां की हैं उसको भी हम क्रिएट कॉम्पनसेट करेंगे, कैसे उसकी भरपाई हो। हमने हवा को प्रदूषित कर दिया तो हवा को शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे, पानी प्रदूषित कर दिया तो पानी को शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे, मिट्टी का हमने प्रदूषण कर दिया, मिट्टी कैसे बेहतर हो जाए, है ना। अगर हमने अत्यधिक खनिज लवण निकाल लिए हैं धरती से तो अब उसको गति को थोड़ा कम किया जाए, तो इस पे ध्यान देंगे। स्वधन का मतलब हुआ कि अब इसके विस्तार में जाएंगे ना, तो हम तीन तरह से स्वधन को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो एक है प्रतिफल, एक है पारितोषिक, एक है पुरस्कार। पुरस्कार प्रतिफल का मतलब कि हमने शेष प्रकृति को श्रम किया, उसका हमको प्रतिफल मिला। पारितोषिक मतलब किसी ने हमको कुछ भेंट स्वरूप कुछ वस्तु दी, जैसे शादी ब्याह होता है तो विवाह हो रहा है तो हमें कुछ भेंट दिया गया अतिथियों के द्वारा, तो वस्तु भी हमारी है, हमारे सदुपयोग के लिए उपलब्ध है। और पुरस्कार मतलब हमने कुछ सार्थक कार्य किया और उस कार्य के लिए हमें समाज की तरफ से कुछ वस्तु मिला। तो जैसे अगर हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और समाज को दिखता है कि इनके पास खेत की कमी है, उन्होंने हमें खेत उपलब्ध कराया, हमें जमीन उपलब्ध करा दिया, तो ये भी एक पुरस्कार के रूप में। किसी को लगता है कि ये इनके पास रहने के लिए अभी प्रॉपर मकान नहीं है तो समाज ये निर्णय ले सकता है कि ठीक है भाई इनको एक मकान बनवा के दे दिया जाए, तो ये भी एक पुरस्कार के रूप में। या कुछ हमने सार्थक काम किया समाज के लिए और समाज ने हमको भेंट स्वरूप दिया या उपहार स्वरूप दिया, तो ये भी हम ले सकते हैं, तो ये भी हमारे स्वधन का स्वरूप हुआ। और तीसरी बात है चेस्टिटी इन कॉन्जुगल रिलेशनशिप, स्वनारी स्वपुरुष का।
तो स्त्री पुरुष संबंध में हम स्वनारी स्वपुरुष का ठीक ठीक निर्वाह कर पाए। जी, सैलरी की अगर बात करें कि सैलरी कौन सा धन हुआ, ठीक बात है, सारे रेलिवेंट क्वेश्चन है। तो सैलरी में क्या हो रहा है कि हम श्रम कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, उस श्रम के एवज में हमें कुछ सुविधा मिल रही है दूसरे व्यक्ति के द्वारा। तो जैसे मान लीजिए अगर हम कोई उत्पादन कार्य भी शुरू करते हैं, खेती भी शुरू करते हैं, तो खेती हम अकेले ही सारा कुछ कर लेंगे ऐसा तो नहीं है। तो खेती करेंगे, मिलजुल कर करेंगे, टीम बनाएंगे, है ना, सबकी अपनी अपनी भागीदारी होगी। उसके लिए हम सबका प्रतिफल भी तय करेंगे कि भाई ठीक है, जो आदमी खेत में काम कर रहा है उसके लिए इतना, जो शहर की ओर लेके जा रहा है उसका इतना, जो उसका संरक्षण कर रहा है उसका इतना। तो प्रतिफल ही है। अगर हम टेक्निकल एजुकेशन को भी देखें तो टेक्निकल एजुकेशन में जो हम भागीदारी कर रहे हैं, पूरे प्रोडक्शन सिस्टम में जो पूरा उत्पादन तंत्र है उसका एक हिस्सा है। क्योंकि तो जिन बच्चों को हम भाई पढ़ा रहे हैं वही बच्चे आगे निकलकर कंपनी में फैक्ट्री में काम करने वाले हैं कि नहीं। तो उस पूरे अगर हम सिस्टम को देखें, प्रोडक्शन सिस्टम को, तो उसमें एक भाग है जिसमें हम उनको टेक्निकल स्किल सिखा रहे हैं। तो उसके लिए हमें पारितोषिक मिल रहा है, उसके लिए हमें प्रतिफल मिल रहा है जो हम श्रम कर रहे हैं उसका। जी, तो हम लोग और विस्तार से बात कर सकते हैं। भागीदारी का मतलब है, का प्रश्न है, अपने से बड़ी व्यवस्था भागीदारी। जैसे आप परिवार में रह रहे हैं तो परिवार में आप भागीदारी करते हैं, परिवार मोहल्ले में रह रहा है मोहल्ले में भागीदारी करते हैं, गांव में भागीदारी करते हैं, समाज में भागीदारी करते हैं। तो मानव की भागीदारी को ही अगर हम देखें वो मूल्य के रूप में दिखाई देता है, तो 30 मूल्यों के रूप में हम उसको पहचान सकते हैं। तो जैसे हम लोग सुख शांति संतोष आनंद की बात की थी, तो आशा में सुख बना हुआ है ना, आशा में आस्वादन संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व के आधार पर सुख का बना हुआ है। वैसे विचार में शांति बनी हुई है, इच्छा के स्तर पर संतोष बना हुआ है, और अनुभव के आधार पर जो बोध की पूर्णता हुई है उससे आनंद बना हुआ है। तो ये चार जो मूल्य हैं ये स्वयं में पूरे होने वाले मूल्य हैं। राजेश जी का है, पुरस्कार मिलना क्या बाहरी सुख है? देखिए, उसको हम सुख से नहीं जोड़ेंगे। जैसे अगर अभी भी हम उत्पादन करते हैं उससे हमको सुविधा मिलती है, सुविधा से शरीर की आवश्यकता पूरी होती है। तो समाज ने पुरस्कार स्वरूप कुछ दिया, तो एक तो हो सकता है कि हमें कोई पहचान दी कि व्यक्ति इतना सार्थक काम कर रहे हैं। जैसे किसी को हो सकता है पद्मश्री का पुरस्कार मिला ना, किसी को पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला। तो एक तो यहाँ पे हमको संज्ञा मिली, दूसरा हो सकता है उसके साथ कुछ आपको धन भी दिया गया। तो जो धन हो वो शरीर की आवश्यकता पूरी करेगा, जो आपको स्वीकृति मिली समाज के द्वारा वो हमें देखें तो एक हमें उससे प्रमाण मिलता है कि हाँ, समाज मेरे द्वारा किए गए काम को स्वीकार पा रहा है, और उससे आगे मानवीय व्यवस्था में भागीदारी के नए रास्ते खुलेंगे। अगर हम मानवीय व्यवस्था में भागीदारी को देखें तो धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा के रूप में दिखाई देता है। तो धीरता का मतलब कि जब मेरे अंदर संबंध व्यवस्था से अस्तित्व स्पष्ट होता है तो मुझे दिखता है यही समाधान है, तो मैं किसी भी स्थिति परिस्थिति में घबराता परेशान नहीं होता हूँ। क्योंकि मुझे दिखता है कि हर बार जो समाधान निकलेगा उस संबंध के आधार पर, व्यवस्था की दृष्टि के आधार पर, अस्तित्व की दृष्टि के आधार पर निकलेगा। ये धीरता के रूप में दिखाई देता है। यही बात दूसरे तक पहुंच जाए उसके लिए मैं हर क्षण तत्पर रहता हूँ। कोई परिस्थिति हो, अल्टीमेटली मुझे दूसरे को समझदार जिम्मेदार बनाना है, न कि प्रतिक्रिया करनी है। ये वीरता के रूप में दिखाई देता है, और उसके लिए मैं अपना तन मन धन लगाने को तत्पर रहता हूँ। ये उदारता के रूप में दिखाई देता है। दया का अर्थ ये हुआ कि किसी व्यक्ति के पास पात्रता है और वस्तु नहीं है, तो मैं वस्तु उपलब्ध कराता हूँ। जैसे कोई किसी के अंदर जिज्ञासा है, समझना चाहता है, तो हम उसके पास इस पूरी प्रस्तावना को लेके जा पाते हैं और उस तक उसका ध्यान आकर्षण करा पाते हैं। तो ये दया की बात है। कृपा मतलब कि वस्तु है परंतु पात्रता नहीं है। तो अभी हमको कई सारे लोग ऐसे समाज में मिलेंगे जिनके अंदर अभी जिज्ञासा ही विकसित नहीं हुई है। जैसे कॉलेज में भी आप देखेंगे तो जैसे एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो कुछ लोग होंगे जो पहले से ही तैयार होंगे कि हमें वर्कशॉप अटेंड करना है, ये मेरे काम की चीजें, मेरे जरूरत की चीजें, उनके अंदर पात्रता है, उन तक बस वस्तु पहुंचनी है। कुछ लोग होंगे कि आप उनको नॉमिनेट कर देंगे तो भी वो आपसे झगड़ा करने आएंगे कि नहीं, कि मेरा नाम क्यों दे दिया गया, अगले का नाम क्यों दे दिया गया। क्या यही एक तरीका है समझने का? और भी तो तरीके हो सकते हैं। क्या मेरा बैठना जरूरी है? नीचे ही बैठना क्यों जरूरी है? तो आपको दिखाई देगा क्योंकि पात्रता नहीं है, तो पात्रता को विकसित करना है। भले ही वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हो रहा है, कंटेंट शेयर हो रहा है, बट हॉल में नहीं बैठे, हॉल के बाहर घूम रहे हैं, तो उनके अंदर भी पात्रता विकसित करनी है। ये पात्रता विकसित करना भी एक जिम्मेदारी है, एक कृपा है। न वस्तु उपलब्ध है न पात्रता विकसित हुई है, दोनों को विकसित कर पाना, वस्तु कोई पहुंचा पाना, पात्रता को विकसित कर पाना, ये करुणा काम है। तो अगर हम समाज के स्तर पे देखेंगे, पूरा वेरिएशन है समाज में। कोई है जो निष्ठापूर्वक समझने में लगा है, कोई है जिसको समझने में रुचि नहीं है, कोई है कि पूरी नासमझी में ही जी रहा है, उसको जस्टिफाई भी कर रहा है। करुणा के भाव के साथ देखें तो हम जिसको जैसा है, जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा स्वीकारते हैं और उसके विकास के लिए काम करते हैं, उसको वस्तु भी पहुंचाते हैं, पात्रता भी विकसित करते हैं। तो शिक्षा को देखें तो एक तरीके से करुणा का काम है, जो शिक्षा है वो करुणा का काम है।
इनफैक्ट अच्छी बात यह है कि आप पाएंगे तो जो संविधान है और जो नीतियां बनाई गई हैं उसमें भी ये बात पहले से ही कही गई है, कोई भी शिक्षण संस्थान प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता, सेवा कार्य है, सेवा कार्य के रूप में करुणा के भाव के निर्वाह के लिए। तो शिक्षा विधि द्वारा हम इस करुणा के भाव का सही सही निर्वाह कर सकते हैं अगर शिक्षा मूल्य आधारित हो जाए। संबंध में मूल्य को देखें तो नौ स्थापित मूल्य और नौ शिष्ट मूल्य दिखाई देते हैं। स्थापित वो मूल्य हैं जो हमारे को दिखते हैं और हमारे में स्थापित हो जाते हैं, है ना। तो जो मैं में जो क्रियाओं की बात कर रहे थे तो कुछ स्थिति क्रियाएं हैं, कुछ गति क्रियाएं हैं, तो स्वयं स्थापित होते हैं, स्थापित मूल्य हैं, और वो जीने में जैसे परिलक्षित होते हैं वो शिष्ट मूल्य हैं। जैसे विश्वास है तो विश्वास के साथ सौजन्यता दिखाई देती है मेरे अंदर। अगर दूसरे के इंटेंशन के प्रति अश्योरेंस है तो दूसरे को कैसा दिखाई देगा, तो मैं दूसरे के साथ जुड़ पाता हूँ, सहयोगी हो पाता हूँ, सहकारी हो पाता हूँ, सहभागी हो पाता हूँ, ये मेरे आचरण में दिखाई देगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है समझना। तो जैसे हम इंटेंशन और कॉम्पिटेंस की बात कर रहे हैं, अभी हमारे विचार विचार में ही है या हमारे भाव में स्थापित हो गया, हमारे चिंतन में आ गया, इस बात से दिखाई देगा कि हम दूसरे के साथ कितने सहयोगी हो पाते हैं, कितने सहभागी हो पाते हैं, कितने सहकारी हो पाते हैं कि नहीं। अगर किसी के यहाँ कोई समस्या है तो हम उसकी समस्या के लिए उसको ब्लेम कर रहे हैं, तो उसकी समस्या को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम टीम वर्क कितना फैल कर जुड़ कर पाते हैं, टीम में मेरी मेरा भाव क्या होता है, जो मैं कहूंगा वही होगा, या सबके साथ जुड़कर मैं निर्णय लेता हूँ। तो ये प्रमाण मिलता है हमें शिष्ट मूल्य के द्वारा, हमें प्रमाण मिलता है कि स्थापित मूल्य मुझ में स्थापित हुआ है कि नहीं। तो ये है ना संबंध के मूल्य हुए, नौ स्थापित मूल्य, नौ शिष्ट मूल्य। और जब हम सुविधा के साथ निर्वाह कर रहे होते हैं तो उसमें दो मूल्य दिखाई देते हैं, उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य। तो किसी वस्तु में उपयोगिता को सुनिश्चित करना उपयोगिता मूल्य है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी का हमने लोंदा बनाया, उसको हमने घड़े का रूप दिया, पकाया, अब वही मिट्टी हमारे लिए उपयोगी हो गया, उसमें हम पानी को स्टोर करते हैं, गर्मी का ठंडा पानी पीते हैं जो शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में। तो हमने एक मिट्टी को घड़ा का शेप दे दिया, एक लोहे को स्टील बनाया, स्टील से हमने कंटेनर बनाया, कंटेनर में इतनी सारी चीजें हम स्टोर कर रहे हैं, अलमीरा बना रहे हैं, ये उपयोगिता मूल्य। तो हमने अल्टीमेटली सुविधा की उपयोगिता को बढ़ा दिया, जड़ वस्तु की उपयोगिता को बढ़ा दिया। कला मूल्य का मतलब ये हुआ कि उस उपयोगिता को संरक्षित बनाए रखना, उस उपयोगिता को है ना और उपयोगी बना देना। जैसे हमने शर्ट सिलवाया है तो शर्ट की उपयोगिता ये है कि हमारे को ठंड गर्मी बरसात से बचाता है, बट हमने बटन ऐसे लगाया है कि उसको शर्ट को पहनने और हटाने में आसानी हो, है ना, उसको रखने में आसानी हो, शरीर के हर भाग को ठीक ठीक कवर कर पाए, ये कला है। हम जिस तरह से स्टिचिंग करते हैं, जिससे शर्ट तो है, अब शर्ट तो ऐसे भी हो सकता है कि हमने एक बार ऐसा बना दिया कि पहन लिया, आप पहन नहीं सकते, दोबारा उतार नहीं सकते, उपयोगिता तो तब भी रहेगी, तब भी हमें ठंड गर्मी बरसात से बचाएगा, परंतु जिस तरह से हम स्टिचिंग करते हैं वो आसानी से उसको हम संरक्षित कर पाते हैं, धो पाते हैं, रख पाते हैं, निकाल पाते हैं, पहन पाते हैं, ये उसकी कला है। घड़े को हम ऐसा बनाते हैं कि घड़े में पानी ज्यादा अच्छे से संरक्षित रह पाए, तो ये कला है। अब कला को हम और विस्तार में ले जाए, व्यवहार की कला में ले जाए ना, जब हम अव्यक्त हो रहे हैं, समाज में अव्यक्त हो रहे हैं, तो उसकी कलाएं हो सकती हैं, हमारे व्यक्ति की संप्रेषणा की प्रकाशन की कला हो सकती है, तो बहुत सारी कलाएं विकसित हो सकती हैं। हम नृत्य संगीत माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो उपयोगिता तो है उस वस्तु की, बट कलात्मक ढंग से रखने से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाती है। जैसे पूरी स्लाइड को भी देखें तो इसमें कला जुड़ी हुई है, तो इस तरह से रंग दिए गए हैं, फॉन्ट का साइज रखा गया है। अभी मैं फॉन्ट की डिजाइन को पढ़ रहा था तो मैंने देखा उसके पीछे में कितना रिसर्च हुआ है, कि अगर आप एक एक फॉन्ट को स्टडी करेंगे, कई प्रकार के फॉन्ट हैं, एक एक फॉन्ट की डिजाइन में पूरा रिसर्च हुआ है कि एक अक्षर दूसरे अक्षर से कितना दूर, कितना नजदीक होना चाहिए, कब हमको पढ़ने में सुविधा होती है, कब हमारे आंखों में चुभन कम होती है। तो जैसे आज के दिन देखें तो डिजाइन में यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस की बात होती है, तो ये सब कला मूल्य से जुड़ते हैं, यूजर इंटरफेस कैसे बने ताकि हम इसकी यूटिलिटी को बढ़ा पाए। तो मूल्य को जो अभी हमने बताया उसी को विस्तारित किया तो ऐसे दिखाई देता है। तो स्वयं में ये सुख शांति संतोष आनंद मूल्य के रूप में दिखाई देते हैं। परस्परता में, भागीदारी में देखें तो धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा के मूल्य दिखाई देते हैं, और मानव मानव संबंध में नौशिष्ट मूल्य दिखाई देते हैं, और शेष प्रकृति के साथ भागीदारी में उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य दिखाई देते हैं। तो अब हमारे आचरण में ये कितने मूल्य आ पाए हैं ये देखने की बात है, जितनी मैंने बात बताई। तो जैसे ट्रस्ट की बात की तो कॉम्प्लीमेंटेरिनेस उसका है कि नहीं, सौजन्यता का भाव है कि नहीं। अभी ऐसा क्यों होता है कि हम टीम वर्क नहीं कर पाते, हम साथ जुड़ नहीं पाते, हमको आपस में बातचीत ठीक से कर नहीं पाते, यानी ट्रस्ट की कमी है। तो ये सब रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे जीने में, हमारे आचरण में। वैसे नीति के बारे में हमने बताया, तो जो हमारा अर्थ है उसके संवर्धन, संरक्षण, सदुपयोग की नीति, अर्थ के रूप में देखें तो तन मन धन, ये तीन अर्थ दिखाई देते हैं। तो अगर सदुपयोग की नीति की पहली बात करें तो स्वयं को कितना हम लगा पा रहे हैं अध्ययन में ताकि हम समझ पाए और जी पाए, शरीर को कितना लगा पा रहे हैं, इसके सदुपयोग कितना कर पा रहे हैं ताकि हम
इसको जीने में प्रमाणित कर पाए, हम व्यवहार कार्य भागीदारी ठीक से कर पाए और हम सुविधा का कितना सदुपयोग कर पा रहे हैं, संबंध के अर्थ में व्यवस्था का अर्थ में सदुपयोग कितना कर पा रहे हैं। वैसे ही संरक्षण की बात करें तो सेल्फ का संरक्षण का मतलब हुआ कि हम कैसे कंडीशन इन्वायरमेंट तैयार कर पा रहे हैं और अनफेवरेबल चीजों से स्वयं को या दूसरे सेल्फ को बचा पा रहे हैं। शरीर की बात करें तो शरीर का संरक्षण के लिए हम कपड़ा मकान आदि की व्यवस्था करते हैं और सदुपयोग सुविधा की बात करें तो उसको प्रॉपर स्टोरेज करते हैं, प्रॉपर संरक्षित करते हैं। संवर्धन की बात करें तो शिक्षा संस्कार विधि के द्वारा एडल्ट एजुकेशन और दूसरे जो प्रयास हैं, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, हर तरह से हम अधिक से अधिक उपयोगी ढंग से वस्तु को दूसरों तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। और स्वयं में अगर देखें तो स्वयं में हम कितना परिमार्जन कर पा रहे हैं, ये मेरा स्वयं का संवर्धन है। तो मेरा स्वयं का कितना संवर्धन हो पा रहा है, दूसरे का संवर्धन कितना हम कर पा रहे हैं। शरीर के संवर्धन की बात करें तो शरीर के स्वास्थ्य को पुष्ट करना, शरीर को बेहतर बनाना, और सुविधा की बात करें तो विधि के द्वारा उत्पादन करना ताकि पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो। चरित्र की बात करें तो तीन भाग में, तो दयापूर्ण कार्य व्यवहार, स्वधन और स्वनारी स्वपुरुष, इसमें बात हुई। तो स्वधन को लेकर जो मैंने पहले संक्षेप में रखा, तो हम शेष प्रकृति पर श्रम करते हैं जिससे हमको प्रतिफल मिलता है। तो और पारितोषिक भेंट की बात करें तो कोई विलिंगली हमारे साथ शेयर करता है, जैसे उपहार हमें मिलते हैं तो उन उपहारों का हम सदुपयोग करते हैं। अब इसमें दृष्टि की बात है कि उपहार हम सहज रूप से दे रहे हैं, ले रहे हैं, या उसके ऊपर हमारे अंदर कोई दबाव बन रहा है, तो ये सब बातें अपने आप में समझने की है कि उपहार भी आवश्यक है। जैसे आप इन्हीं क्या जाते हैं, जैसे पहले होता था कि भाई अगर गांव में कोई बच्चे की शादी है तो पूरा गांव स्वीकारता था कि हमारे बच्चे की शादी है तो सबको भागीदारी करनी है। फिर जो नया कपल बन रहा है उनको उपहार देते हैं ताकि वो आगे अपने जीने को सुचारू रूप से सुनिश्चित कर पाए। अब अगर हम इसको ठीक से ना समझें तो भाई वो फिर उसमें विकृतियां आ जाती हैं, वो दहेज और डाउरी का रूप ले लेता है। परंतु आशा तो उसमें यही है कि हम समृद्धि के भाव के साथ उनको हम शेयर कर रहे हैं। वैसे पुरस्कार की अगर बात करें तो है ना, वो हम दूसरे के द्वारा किए गए सार्थक कार्य के लिए पुरस्कार देते हैं, उसको कुछ सुविधा देते हैं, धन देते हैं। तो मूल्य का मतलब हुआ कि हमको स्पष्टता हो जाए कि क्या करना है, नीति का मतलब हुआ कैसे करना है, चित्र मतलब जो उसका एक्सप्रेशन है जीने में। तो इसमें देखें तो मूल्य और नीति में निश्चितता है, जैसे 30 मूल्यों की बात की, जैसे भोजन क्यों तो शरीर के पोषण संरक्षण अर्थ में, व्यवहार क्यों तो सम्मान के अर्थ में, और जब हम एक्सप्रेशन में जाते हैं तो उसकी पूरी क्रिएटिविटी हो सकती है ना। क्रिएटिविटी कई प्रकार से है कि अगर हम देखें तो सही भाव को पहुंचाने के लिए अलग अलग जगहों पर अलग ढंग से संगीत बनाए जाते हैं, नृत्य कलाएं होती हैं। फिर अगर हम शरीर के पोषण की बात करें तो हम भोजन में गेहूं, चावल, मक्का कुछ भी ले सकते हैं। सम्मान को अभिव्यक्त करना हो तो पांव छू सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं आदि। ये बात हम लोगों ने नीति के रूप में, चरित्र के रूप में की। एथिकल कंडक्ट का मतलब हुआ कि ये मुझे सहज रूप से स्वीकार है और इससे मेरे अंदर कोई अंतर्द्वंद या अंतर्विरोध तैयार नहीं होता। इससे ये भी अर्थ निकलता है कि संबंध व्यवस्था और सस्तित्व के अर्थ में है, और जब परस्परता में जीने जाता हूँ तो वह सुख में समृद्धि के अर्थ में है। तो एथिकल कंडक्ट को जब मैं जीता हूँ तो मुझे स्वयं में तृप्ति मिलती है, जिनके साथ जीता हूँ उनको भी तृप्ति मिलती है, और शेष प्रकृति भी संवर्धित होती है, संरक्षित होती है, उसका सदुपयोग हो पाता है। अब अगर करंट सिनेरियो को देखें तो हमको दिखता है कि अभी जो हम व्यवसाय कर रहे हैं उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ते जा रहे हैं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस बढ़ते जा रहे हैं, और इस तरह का अनएथिकल प्रैक्टिस के कारण हमको बहुत सारी समस्याएं जैसे इकोनॉमिक ऑफेंसेस, किकबैक्स, ये सारी चीजें हमको फेस करनी पड़ती हैं। तो पैसे को लेकर बहुत सारे घोटाले, संबंधों को लेकर बहुत सारे घोटाले, ये सब हमको दिखाई देते हैं। अभी देखें तो मूवीज बनती हैं कैसे मर्डर किया जाए और अगले को पता भी ना लगे, कैसे दूसरे का धन छीन कर अपने जेब में आ जाए अगले को पता भी ना लगे। अभी देखें तो इस तरह की चीजें समाज में बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे मशीनों का दुरुपयोग बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी समस्या आपको दिखाई देंगी। करप्शन है, कई रूपों में करप्शन है, कई लेवल्स पे करप्शन है, टैक्स की चोरी करना, फंड्स का मिस अप्रोप्रिएशन होना, खुद का दुरुपयोग होना, पॉलिटिकल पावर का मिस यूज होना, ब्यूरोक्रेसी का मतलब ऑथोरिटेटिव होना, ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाना जो मिसलीडिंग है, आपको कई बार दिखाई दिया कि ऐसे प्रोपेगेंडा कारण ही दंगे फसाद हो जाते हैं, ऐसे एडवर्टीजमेंट बनाना जो भ्रामक है। अभी देखे तो बहुत सारे क्रीम जो फेशियल होते हैं उस पर एडवर्टीजमेंट आते हैं कि आप एक बार इसको लगा लीजिए और आपका चेहरा बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, तो ऐसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, भ्रामक होते हैं, जो सेल्स प्रमोशन के लिए करते हैं। अपने उत्पाद को बेचने के लिए दूसरे की क्षति पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाना, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन के रूप में, कंज्यूमर्स की वीकनेस को दुरुपयोग करना, को कैसे प्रलोभित किया जाए, कैसे उनको भरमाया जाए ताकि वो हमारी सुविधा खरीद लें, ताकि वो हमारी वस्तु का प्रयोग करें, मिलावट करना या जो चीजें नुकसानदेह हैं उनका उत्पादन करना, ये तो बहुत सारा सुनाई देता है। जो दूध मिल रहा है वो वीडियोज आते रहते हैं कि कैसे एक ड्रॉप ऑयल गिराकर
10 लीटर दूध बन जाता है, तो ये मिलावट का सारा काम है। वैसे ही कुछ ऐसी चीजें करना जो मानव के स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए नुकसानदेह हो। अभी देखिए ये COVID-19 फैला, ये तो एक अनएथिकल चीज थी। ऐसा तो बताया जाता है कि किसी देश में किसी लैब में ऐसे वायरस को तैयार किया गया, और वायरस पूरे देश में फैल गया, पूरे विश्व में फैल गया। संग्रह करना, होर्डिंग करना, फिर उसके बाद है ना ओवर चार्जिंग करना, उसके लिए एक लंबी लिस्ट बनाई जा सकती है इसकी। अब अभी जो प्रिवेलिंग अप्रोचेज हैं इस प्रकार के हैं, तो हम अभी प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं, नए नए कोर्सेज लाते हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। अब वो एक मैंडेटरी भी हो गया है, ऑडिट कोर्स के रूप में ही हर जगह पढ़ाना है। तो इसके रिफ्रेशर प्रोग्राम्स, केस स्टडीज, ऐसे वचन दिलवाना, शपथ दिलवाना, ताकि हमारा कंडक्ट एथिकल होगा। ऐसे मैकेनिजम्स इंटेंसिव ऑडिट इंस्पेक्शन के लिए शुरू करना है ना, तो ऑडिट करते हैं उसको हम सघनता से, इंस्पेक्शन करते हैं। और कई बार ये दिखाई था कि जो ऑडिट करने वाली टीम आती है, अगर आप उसके साथ वही गलत प्रैक्टिस करें, जैसे पता चला करप्शन के लिए ऑडिट करने आई है और आप सब करप्शन को प्रैक्टिस करें, उसको भी आप घूस दे दें, तो ऑडिट कार्य पूरा हो जाता है और कभी भी जो गलत प्रैक्टिस पकड़ में आते नहीं है। ये इसके कमियां हैं इस तरह के प्रैक्टिसेस की। और कड़े कानून बनाना, ज्यादा कड़े पनिशमेंट देना, RTI जैसे एक्ट को भी हम अभी लाकर कर रहे हैं। इससे कमी तो आई है निश्चित रूप से, परंतु अगर हम समाधान को देखें तो समाधान इसमें नहीं है। समाधान तो तभी है जब व्यक्ति के अंदर सही समझ, सही भाव, नहीं तो इसके भी लोग तरीके निकाल लेते हैं इसे बचने के लिए। स्टिंग ऑपरेशन करना, अभी आप देखिए तो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जगह जगह CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं, और क्राइम क्यों हो रहे हैं, तो क्राइम हो रहे हैं समझ के अभाव में। तो हम CCTV कैमरे लगाए तो बहुत अच्छी बात है, बट क्राइम क्यों हो रहे हैं इसको समझना और इसको ठीक करना ये बहुत जरूरी है। व्हिसल ब्लोइंग, कोई अगर आपको गलती दिखाई देती है समाज में, तो आप उसको सामने लाइए। लोकपाल को हम स्थापित करते हैं, विजिलेंस कमीशन बनाते हैं, एथिक्स के लिए कमिटीज बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स बनाते हैं, PIL की सुविधा है। इन सारी विधियों से समाज में जो गलत अभ्यास थे, गलत प्रैक्टिसेस थे, पहले से कम तो हुए हैं, परंतु नए तरह के भी क्राइम शुरू हो गए हैं। अभी ये हर बार मैसेज आता है कि अगर आपके फोन पे कोई आपसे OTP देने के लिए कहता है तो मत दीजिए। तो मोबाइल की सुविधा मिली है, OTP की सुविधा मिली है, OTP से हमारा जो बैंक अकाउंट है सुरक्षित है, बट उसका दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि ये प्रतिफल की मानसिकता नहीं है। हमको लगता है कि हम कुछ ऐसा करें कि एक दिन में अचानक हम करोड़पति हो जाए। अभी YouTube पे वीडियो आते रहते हैं, उसका पहला ही सेंटेंस होता है, आप करोड़पति क्यों नहीं हो, है ना, आप 1 साल में करोड़पति कैसे बनोगे, उसको लेकर मोटिवेट किया जा रहा है। तो ऐसे भ्रामक तरीके भी निकल आते हैं। तो अभी इन जो प्रचलित विधियां हैं इसमें वो कमियां दिखाई देती हैं, क्योंकि समझ पर आधारित नहीं है। अधिक से अधिक हम भय के द्वारा या प्रलोभन के द्वारा लोगों के आचरण को निश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके ई इफेक्ट्स भी दिखाई देते हैं। और उसमें बहुत सारे इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन हैं, जैसे हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि वांट्स आर अनलिमिटेड, फिर कह रहे हैं रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इसका सीधा मतलब है कि हम शिक्षा द्वारा ही ये बता रहे हैं कि सुविधा की आवश्यकता अनंत है, तो आप कभी समृद्ध हो ही नहीं सकते। ऐसे ही पूरा आप सिलेबस उठा के देख लीजिए, क्लास 1 से लेकर PhD तक, कहीं स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि पेड़ पौधों में और पशु पक्षी में क्या अंतर है। सेल्फ की क्लैरिटी ही नहीं है। अब सेल्फ की क्लैरिटी नहीं है तो भोजन कैसे लेना है, भोजन के लिए क्या करना है, कैसे नियंत्रित होगा। तो हम कभी पशुओं की हत्या करते हैं, कभी हम पेड़ों को उजाड़ देते हैं, है ना। तर्क होते हैं हमारे पास कि जब पेड़ पौधे खा सकते हैं तो पशु क्यों नहीं खा सकते, पशु खा सकते हैं तो फिर हत्या क्यों नहीं कर सकते पशुओं की, हत्या कर सकते हैं तो इस पशु कर सकते हैं तो उस पशु क्यों नहीं कर सकते, ये तर्क चलते रहते हैं। तो ये बहुत सारा इसमें इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, डिलेमाज हैं, जिस कारण हम निर्णय नहीं ले पाते। तो नदी का दोहन होता रहता है, मानव का दोहन शोषण होता रहता है। जैसे अगर बिजनेस सर्कल्स को देखें, तो जब भी हमको दिखा है कि किसी कम्युनिटी का अगर कमी हुआ है मानसून फेलियर कारण या नेचुरल डिस्टर्बेंस होता है, तो उसमें फिर होर्डिंग शुरू हो जाती है, तो होर्डिंग करते हैं ताकि फिर ज्यादा भाव पे हम उसको बेच पाए। तो समाधान तो यही है जो हमने दो मॉडल की बात की, नैतिक आचरण की बात की, कि स्वयं में हम संबंध व्यवस्था अस्तित्व को देख पाए, ताकि हमारा जीना वैसा हो पाए। और इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा मूल्य आधारित हो, जीना मूल्य आधारित हो। और अभी जो विधियां अपनाई गई हैं उसको बनाए रखें, बट उसके साथ साथ अगर हम इसको लेकर चलेंगे तो रिडंडेंट हो जाएगा। जैसे हम घर में ताला लगाएं वो ठीक है, पर धीरे धीरे हम ऐसा अगर सुनिश्चित कर पाए कि हर परिवार में समृद्धि है, ताले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमको रिडंडेंट बनाना है, छोटी लाइन के सामने बड़ी लाइन खींच देनी है। इतना सारा हमको निगरानी करना पड़ता है, ये नहीं करना पड़ेगा, है ना। बढ़िया, तो अगर पूरी बात को समाप्त किया जाए, तो हमने एथिकल ह्यूमन कंडक्ट यानी नैतिक मानवीय आचरण के दो मॉडल्स की बात की। अभी जो स्थिति है उसकी हमने समीक्षा की, और समाधान के रूप में यही दिखाई देता है कि चाहे इस मॉडल से हो या उस मॉडल से, अल्टीमेटली हमको निश्चित मानवीय आचरण के साथ जीने की जरूरत है, तभी समाज में व्यवस्था हो पाएगी, परंपरा मानवीय हो पाएगी। अगर समय होगा तो कुछ प्रश्न ले सकता हूँ। जी जी राजेश उपाध्याय जी, अभी जो बात हो रही थी उसमें कि चोरी करते हैं,
अगर ताला न लगाने की नौबत आए तो बहुत चलता है, फिर चोरी करता है। महाराष्ट्र में एक शनि शिंगणापुर है, गांव है एक, जहाँ पे जी मंदिर भी है और वहां गांव में किसी भी प्रकार का दरवाजा नहीं है, ताले लगते ही नहीं है। तो यही अगर चीजें पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में मैसेज दिया जाए तो चोरियां कम हो सकती है, ऐसा एक देखिए, छोटा सा वो मेरा। उससे आप उदाहरण तो प्रस्तुत करेंगे है ना, परंतु उससे कुछ परिमार्जन हो जाएगा ऐसा नहीं है। जब तक मनुष्य के अंदर समृद्धि का भाव नहीं है वो शोषण जी करेगा, जी जब तक श्रम की प्रवृत्ति नहीं है, है ना, वो हाँ दूसरे का नहीं, शोषण तो करेगा ही। उसकी समृद्धि कैसे सुनिश्चित की जाए वही तो कर रहे हैं भैया। सारा काम, वो तब होगा जब सुविधा की तो आवश्यकता समझ में आएगी, कि सुविधा की आवश्यकता सिर्फ शरीर के लिए, मैं के लिए नहीं। जी रविकांत जी, जी भैया, जब वो स्लाइड थी जहाँ पे हम लोग चित्रण और चिंतन के इसमें एक रेड एरो था जो दोनों तरफ आ रहा था, हाँ उसमें तो एकदम पहले इसमें जहाँ पे हम लोग मतलब नीचे से ऊपर की जो क्रिया थी उसमें जी, वो असेंडिंग इसलिए ऑर्डर दिया में। गया है क्योंकि अभी जो हमारी स्थिति है तो अभी ब्लॉक B1 फुली एक्टिव नहीं हुआ है, बट हम ब्लॉक B1 में प्रवेश करना चाह रहे हैं, यानी हम उसको जागृत करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। हाँ तो नहीं हम मतलब ब्लॉक क्या B2 से मैं B1 की ओर मूव कर रहे हैं, और जितना ब्लॉक B1 में एक्टिव हो गया है वो हमारे ब्लॉक B2 को गाइड कर रहा है। तो क्या इसको जैसे वो जैसे रेड एरो इस तरह, जैसे अभी एक चित्रण अगर मेरा बना है जो कि प्रिय हित लाभ से है तो उसका मेरे चिंतन पर भी प्रभाव पड़ता है ना। नहीं, चिंतन का मतलब अच्छा हुआ कि मुझे भाव स्पष्ट हुआ, तो कोई भी अच्छा मान्यता अच्छा का प्रभाव आपके ये चिंतन पे नहीं पड़ेगा। हाँ, मतलब उसमें भ्रमित अवस्था में ही है, मतलब फिर वो ऐसे रहेगा, मतलब जी। प्रिय हित लाभ से ही सीधा B2 जो है नियंत्रित हो जाएगा। यानी प्रेरित लाभ नियंत्रित होगा संबंध व्यवस्था संस्थिति के आधार पर। हाँ, नहीं जब B1 में जाएंगे तब की बात है। तो ब्लॉक B2 में भी प्रेरित लाभ नियंत्रित होगा ब्लॉक B1 में जाने के आधार पर ही, इससे पहले नहीं। हाँ कुमार भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व पर प्रकाश डालते हुए आपने जो हमें मूल्यवान मार्गदर्शन किया उसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे बढ़ते हुए डॉक्टर HD चरण, चेयरमैन NCUHV AICT न्यू दिल्ली, चरण भैया को मैं अनुरोध करती हूँ कि वे अपना अपने क्लोजिंग रिमार्क्स रखें। धन्यवाद दीदी, सभी चलिए जी भैया, धन्यवाद। को नमस्कार। आज दो महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। हम सभी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू में परिवार के रूप में जुड़े हैं, और इस में जुड़ने से निश्चित रूप से हमारे मन में ये समझ बननी शुरू हुई है कि इस माध्यम से हमारा जीवन सहज हो सकता है, सुखी हो सकता है, और निरंतर अगर ऐसा संभव हुआ तो निरंतर सुखी भी हो सकता है। इस तरह का भाव हमारे मन में बना है, ऐसी आशा हमारे मन में बनी है, ऐसी उम्मीद हमारे मन में बनी है, इसी को सोच के हम सभी लोग जुड़े हुए हैं। आज दो चर्चाएं हुई जिसमें कुमार संभव जी ने हमारा अपना जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे अपने जीवन को समझने की यात्रा किस तरह से है, इसको विस्तार से रखा, और दूसरा मुंशी जी ने हम क्या क्या कार्यक्रम कर रहे हैं पूरे देश में और अब तक क्या कार्यक्रम हुए हैं, आगे क्या करना है, ये दो बातें। अब मुझे लगता है कि हमारा अपना व्यक्तिगत काम इस USP को ध्यान में रख के देखते हैं तो भी दो ही काम है। एक काम ये है कि हमारा अपना स्वयं का परिमार्जन कितना हो पाता है, हमारी अपनी समझ कितनी विकसित होती है, और उस समझ के आधार पर हम समाज जीवन में कैसे जी पाते हैं। इसका जो रास्ता है जहां से हम चले हैं, USP का इंट्रोडक्टरी कोर्स से शुरू होके और मॉर्निंग सेशन को अटेंड करते हुए और आज जैसे कुमार संभव जी ने बात रखी, ये एक रास्ता है जिसके जिसके तहत हम आगे बढ़ रहे हैं, और सभी से अपेक्षा है कि वो इसी रास्ते से आगे बढ़ते रहें। और दूसरा जो रास्ता है कि हमारा अपना जीवन तो परिमार्जन हो रहा है, ठीक हो रहा है, लेकिन उसका लाभ जहाँ हम काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस है, समाज में है, वहाँ कितना हो पा रहा है। तो वहाँ हमको अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हमारा अपने संस्थान में योगदान उसके रूप में देखते हैं, तो हमारे संस्थान में जो स्थिति है इस UHV को लेके वो कहाँ तक पहुँचे, उसका भी रास्ता साफ है। शुरुआत में हम कुछ अपने मित्रों के साथ बात करते हुए उनको UHV से जोड़े, मैनेजमेंट को इस UHV के से परिचित करवाएं, और वहां से आगे बढ़ते हुए वहां पे UHV 1, UHV 2, फिर आगे इलेक्टिव कोर्सेज, फिर आगे और बढ़ते हुए माइनर डिग्री, और फिर सारा का सारा संस्थान ही UHV के आधारित जीवन कैसे जी सकता है, ये यात्रा है। मुझे इस बात को, चलो कि आप जानते हैं, फिर भी दोबारा कहने की जरूरत, मैं ऐसे महसूस करता हूँ कि
हम अपनी इस दोनों स्तर की जिम्मेवारी को कहीं भूले नहीं और अपना मूल्यांकन करते रहें कि इन दोनों स्तर की जिम्मेवारी यानी स्वयं के परिमार्जन की जिम्मेवारी और अपने संस्थान के परिमार्जन की जिम्मेवारी दोनों में हम कहाँ हैं। हम आज से 6 महीने पहले कहाँ थे, आज से 12 महीने पहले कहाँ थे, या आज से आगे आने वाले 6 महीने 12 महीने में हमको कहाँ तक पहुंचना। इस जिम्मेवारी को आप निश्चित रूप से अपने आप का आकलन करते रहें और आकलन करते हुए परिमार्जन करते रहे। इतना मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा मेरा अनुभव है अब तक जहाँ जहाँ बात करते हैं, लोगों में इस विषय को लेकर बहुत उत्साह है। वो जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और इस करने जानने के लिए जो कार्यक्रम हमारे हैं उन सब की जो कड़ी है उनका आधार है आप लोग। इसलिए निश्चित रूप से इन दोनों दोनों जो दायित्व है आपके, व्यक्ति स्वयं के रूप में एवं संस्थान के रूप में, दोनों में आप अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करके आगे बढ़ते रहें। इसी बात को मैं अपने यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं फ्यूचर प्लान्स के बारे में शेयर करना चाहूंगी। जैसे सभी जानते हैं कि नियर फ्यूचर में मार्च महीने में 4 से लेकर 8 तक 5 दिवसीय UHV 1 तथा 11 से लेकर 15 मार्च तक 5 दिवसीय UHV 1 का सेशन जो इंग्लिश में रखा जाएगा, उसके उसके वेबसाइट पे रजिस्टर करने के लिए लिंक भी उपलब्ध है। नीचे दी हुई लिंक पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं भैया। वैसे ही 6 डेज UHV 2 के ऑनलाइन FDP भी उपलब्ध है, उसके लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। UHV 2 के 2 कोर्सेस हैं, जैसे 18 मार्च से 23 मार्च तक और 25 मार्च से 30 मार्च तक हिंदी और इंग्लिश में प्रत्येकी। तो इसकी लिंक दी गई है जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। आगे मैं सभी के बहुत बहुत धन्यवाद मानना चाहूंगी।